ये जी हमारा आज का एजेंडा स्टूडेंट्स। पहला काम आज आपको आ जाना चाहिए, आज क्लास ऑफ होने से पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू इंस्टॉल। ठीक है, पहला काम। नंबर टू, इंट्रोडक्शन अबाउट कोर्स आउटलाइन, ये मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। एंड इस कोर्स आउटलाइन में स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको आज स्टार्ट होगा सॉफ्टवेयर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एडोबी का फोटोशॉप, ये हम सीख रहे हैं। तीन चीजें इस कोर्स आउटलाइन में आपको मिलेंगी। कोर्स आउटलाइन में मेजर हमारे तीन इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, एडोबी फोटोशॉप, ठीक है, देन यू विल लर्न अबाउट एडोबी इलस्ट्रेटर, देन थर्ड इज ऑल अबाउट कॉरल ड्रॉ। ये हमने तीन सॉफ्टवेयर में सीखने हैं। आज हमारा जो मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, दिस इज आवर स्टार्टिंग मॉड्यूल। स्टार्टिंग मॉड्यूल नेम इज फोटोशॉप। इसको हम इंस्टॉल करना सीखेंगे अभी दोबारा से, एक दफा मैं 5 मिनट में करवा दूंगा। उसके बाद इस मॉड्यूल को जब स्टार्ट करेंगे तो इसमें हमें इसके बारे में बताया जाएगा। फोटोशॉप के बारे में क्या है ये सॉफ्टवेयर, इट्स इंटरफेस, क्या क्या है इसके अंदर, जैसे इसका मेन्यू, इसका टूल बार, ये टूल बॉक्स, इसके पैनल्स, कुछ प्रॉपर्टीज, ये जी। और फिर आपको आज जाने से पहले यू विल लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट, हाउ टू सेव, हाउ टू ओपन, हाउ टू क्लोज डॉक्यूमेंट इन फोटोशॉप। ये अगर आपको आ जाता है तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले जी मैं आपको जरा जल्दी से ना आउटलाइन के बारे में स्टूडेंट्स बता दूं। आउटलाइन जो आप लोगों ने स्टडी करना है, ये आउटलाइन आपको मिल जाएगी इस वेबसाइट पे, ये जैसे आप आईसीटी लिखोगे टॉप पे ही लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहां से आप इस वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्स आउटलाइन चेक कर सकते हो जो हम लोग मिनिमम मिनिमम करवाते हैं, ज्यादा हो सकता है इससे, मिनिमम ये आप जरूर सीखोगे। तो कोर्स आउटलाइन में काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे नजर आएंगे, तो इसमें आपके ट्रेनिंग के अंडर ग्राफिक डिजाइनिंग का ये कोर्स, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे स्टूडेंट्स, ये उन लोगों के लिए है जो कोर्स आउटलाइन देखने में इंटरेस्टेड हैं। हमारे डेस्क के ऊपर भी अवेलेबल है इसकी आउटलाइन, दूसरा इस वेबसाइट के ऊपर भी आप जाके चेक कर सकते हो आउटलाइन को। ग्राफिक डिजाइनिंग का ये आउटलाइन यहाँ पे क्लिक करने पे इसकी डिटेल सामने आ जाएंगी, चाहे यहां से कर लो चाहे आईटी ट्रेनिंग में यहां से क्लिक कर दो, ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर आउटलाइन डिटेल आपको स्टडी करने के लिए मिल सकती है। आपको इसकी डिटेल आउटलाइन मिल जाएगी जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज को स्टडी करना है, सॉफ्टवेयर सीखने हैं, जिसमें आमतौर पे ग्राफिक डिजाइनर जब एंटर होता है इस फील्ड के अंदर एज ए कैरियर के तौर पे, ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्टेड होता है, टूल सीखना चाहता है, वो अपनी क्वालिफिकेशन को, स्किल्स को कंप्यूटर में डेवलप करना चाहता है और ग्राफिक डिजाइनर की जॉब में इंटरेस्टेड होता है, तो उसको कहा जाता है फोटोशॉप सीखो, उसको कहा जाता है इलस्ट्रेटर सीखो, उसको कहा जाता है आप कॉरल ड्रॉ सीखो, थोड़ी बहुत एनिमेशन भी आनी चाहिए। फिर आपको कहा जाता है कि आप ना सिर्फ इंग्लिश का कंटेंट डेवलप करना सीखो बल्कि उर्दू का भी सीखो। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश हो उर्दू हो, जिस रीजन में होते हो उस रीजन से रेलेवेंट आपको कंटेंट बनाना पड़ता है। कंटेंट में लाजमी बात कुछ टाइप करोगे, कोई बिजनेस कार्ड होगा, कोई कवर पेज होगा, बुक के टाइटल पेज होंगे, उसमें अगर आपने कोई वर्क करना है तो वो बनाना, वो बना सकते हो।
फिर एक्चुअली फोटोशॉप को हम स्टूडेंट यूज करते हैं फोटो एडिटिंग के लिए। अगर आप adobe.com पे जाओ, ये वेबसाइट है इसकी, इस पे आपको डिफरेंट जिसके प्रोडक्ट्स हैं, और नेटवर्क बड़ा स्लो है, बहुत ही स्लो चल रहा है। नहीं जी, ये आप यहां पे देख सकते हो क्रिएटिविटी के अंदर, ये है जी इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर। आप हमारे लिए यहां पे जो आए हो, इस सॉफ्टवेयर सीखने के लिए आए हो, फोटोशॉप। फिर ये देखो इलिस्ट्रेटर, ये सारे के सारे आपकी प्रोडक्ट्स हैं एडोबी की, adobe.com की ये सारी प्रोडक्ट्स हैं। और भी आप सीख सकते हो, प्रीमियम प्रो भी है अगर आप फ्यूचर में इंटरेस्टेड होगे वीडियो एडिटिंग के लिए एंड प्रोडक्शंस के लिए भी, तो आप इस सॉफ्टवेयर पे भी आप अच्छे तरीके से ग्रिप कर सकते हो। अगर आप मजीद इसके अंदर देखना चाहो और क्या क्या सॉफ्टवेयर है, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स कर दिया करो, ये आपको लिस्ट दिखा देगा प्रोडक्ट्स की जो इस कंपनी ने मार्केट में आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है। ये इसके आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन ये नजर आ रही है, फोटोशॉप ब्लू रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखा हुआ फोटोशॉप आपको दिखाई देगा। इलस्ट्रेटर ऑरेंज कलर में होता है, फोटोशॉप ब्लू कलर में होता है। तो ये वो दो सॉफ्टवेयर हैं जो आपने मेरे साथ यहाँ पे सीखने हैं, इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। तो ये दो सॉफ्टवेयर, अगर आपको इनमें से किसी सॉफ्टवेयर के बारे में मजीद जानना हो तो स्क्रॉल डाउन करके ये सॉफ्टवेयर फोटोशॉप लिखा हुआ है, और इसमें अगर आप ये दो लाइनों में देखो, काफी हद तक उसने बताने की कोशिश की है सॉफ्टवेयर का मकसद क्या होता है। अगर आप सीख रहे हो मेरे साथ आज स्टार्ट करने जा रहे हो, तो क्या करता है ये सॉफ्टवेयर, एडिटिंग के लिए यूज होता है, फोटो एडिटिंग के लिए बेस्ट है मार्केट में। फोटो एडिटिंग अगर करनी हो, इमेज के अंदर काम करना हो, फोटोज की कलेक्शन आपके पास हो और आपको उसके अंदर फोटो में चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, तो एडिट करने के लिए फोटोशॉप यूज कर लो। हाँ, ये अडोबी की प्रोडक्ट है। कॉरल की अगर आपने यूज करनी हो तो कॉरल की प्रोडक्ट का नाम कॉरल फोटो पेंट है। बाल का स्टूडेंट पूछते हैं क्या फर्क है दोनों में, जब आप इसमें दोनों के दरमियान में एक कंपनी की जो है वो फर्क है, बस सॉफ्टवेयर एक जैसे हैं। कौन कौन सी बात कर रहा हूं मैं, अडोबी या फोटोशॉप की बात कर रहा हूं। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि फोटोशॉप के अलावा कोई इंडस्ट्री में मार्केट में इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर है जो फोटो एडिटिंग के लिए यूज होता है, तो वो होता है कॉरल का फोटो पेंट। जब आपको मैं कॉरल ड्रॉ सिखाऊंगा या आपने सीखी होगी, उसमें फोटो पेंट भी उसका एक पार्ट होता है। अगर आप यूज करना चाहो तो हमारे वो स्टूडेंट जो फोटोशॉप सीख लेते हैं वो कॉरल फोटो पेंट ऑटोमेटिकली उसको खुद भी सीख सकते हैं। वैसे तो मेरी इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आप, वैसे तो मोस्टली जो फोटोशॉप सीख लेते हैं वो फोटो पेंट में काम करना पसंद नहीं करते, ठीक है, तो क्योंकि पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो फोटोशॉप है। और इसका मकसद क्या होता है, ये आप इस वेबसाइट पे भी देख रहे होंगे, आप कंटेंट एडिट कर सकते हो, कंपोजिट कर सकते हो, ब्यूटीफुल इमेजेस के ऊपर काम कर सकते हो, ग्राफिक्स के ऊपर आर्ट आप अपना डेस्कटॉप के लिए डेवलप कर सकते हो, आईपैड के लिए, वेबसाइट्स के लिए, डिफरेंट मोबाइल स्क्रीन्स के लिए, ये सारे के सारा आपको फैसिलिटी देता है कौन, फोटोशॉप। फोटोशॉप की ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, कि आपने फोटोग्राफ्स आपके पास हैं, आपने कोई पोस्टर बनाना है, आपने कोई बिजनेस कार्ड बनाना है, आपने कोई बुक का टाइटल पेज बनाना है, आपको इसमें सारा काम करने के लिए फोटोशॉप में ये सारा काम कर सकते हो। या कोई फोटोज आपके पास आ जाती हैं, आमतौर पे ये भी आजकल जॉब का हिस्सा है, जो लोग ऑनलाइन अपनी सर्विसेज देते हैं कि उसके पास कोई 50-100 फोटोज आती हैं, क्लाइंट भेजता है और वो कहता है इसके सारों के सारे कोई बैकग्राउंड्स को खत्म कर दो, मॉडल की पिक्चर्स लगी हुई हैं, बैकग्राउंड सब पे खत्म करके मुझे भेज दो वापस। उसको सिर्फ मॉडल भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है तो उसके डिशेस की स्क्रीन्स की इमेजेस हो सकते हैं। हाँ, उसकी सराउंडिंग में टेबल है या कोई लैंप पड़ा हुआ है या कोई क्लॉक पड़ा हुआ है, तो वो नहीं चाह रहा, अगर सिर्फ डिशेस की जो आपके फोटोज है ना, सिर्फ वो निकाल के मुझे सेंड कर दो वापस। उसका आपको, आप उससे चार्ज भी कर सकते हो, जैसे कि सर्विसेज अगर आप ऑनलाइन भी देते हो, तो ये भी काम है कि आप अपने पूरे इमेज में से आपको जो कहा जाए सिर्फ उतना आपने निकाल के बाकी खत्म कर दो और उसको दोबारा से रिटर्न कर दो। तो इसका मतलब है इमेज के अंदर एडिटिंग करने के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर नेम इज फोटोशॉप। बाद ऐसे फोटोज होते हैं कि सराउंडिंग में कुछ लोग हैं, कोई प्रोडक्ट हैं, कोई इमेजेस के पार्ट्स हैं, उन्हें चाहिए, उसको आपको बता दिया जाता है कि यार इस पूरे फोटो में ये चीज चाहिए, इस पूरे फोटो में ये चीज चाहिए,
जो चीज आपकी बता दी गई वो रखनी है, बाकी निकाल दो। या आप कहोगे ये फोटो जो है इसके अंदर शेड थोड़ा डार्क है, थोड़ा सा ब्राइट कर दो, मॉडल को थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर दो, या मॉडल को फेस को ब्लर कर दो। सारा काम इस तरह का जब भी करना है तो फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग से रेलेवेंट, या फोटोशॉप यूज करोगे या कोरल फोटो पेंट यूज करोगे, दोनों में कंपनीज का फर्क है, काम एक जैसा है। आप अपने इमेजेस के ऊपर अच्छा काम करके अपने क्लाइंट को आप दे के सर्विसेज दे के चार्ज कर सकते हो। कोरल की कंपनी है, कोरल कॉर्पोरेशन, एक एडोबी है एक कोरल है, दोनों एक दूसरे के खास तौर पे सॉफ्टवेयर वाइज कंपेटिटर्स हैं, मुकाबले में हैं। ठीक है, ये इसी तरह जैसा आप कार सुजुकी भी है, कार आपकी यामाहा भी है। ठीक है, तो कार डिफरेंट, उसके नेम डिफरेंट हो सकते हैं, फंक्शनैलिटी तो सेम ही होती है ना, तो उसपे भी राइड करते हो, वही भागती है, उसकी भी स्पीड होती है, ठीक है, उसका भी स्टेयरिंग होता है, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसी तरह ये सॉफ्टवेयर दोनों डिफरेंट कंपनीज के हैं, फीचर ऑलमोस्ट काफी सारे सिमिलैरिटीज हैं, मतलब जो काम आप फंक्शंस आपको फोटोशॉप में दे रहे हैं वही फंक्शन उसी तरह के कोरल फोटो पेंट में भी मिलते हैं। और जब आप स्टूडेंट याद रखना, जब आप कल को अगर आप सीखते हो, एडोबी का एक सॉफ्टवेयर है जो कोर्स का हिस्सा है, उसका नाम है इलस्ट्रेटर, जो अभी आपको दिखा भी रहा था। एडोबी इलस्ट्रेटर अगर आप सीखते हो कल को, तो आपको इसमें पैरेलल अवेलेबल है कॉरल ड्रॉ, ये दोनों आपस में मुकाबले में है। ठीक है, तो दोनों सॉफ्टवेयर सीखना इसलिए जरूरत है कि पास आपको ऐसे ऑफिस मिलेगी जहां पे इलस्ट्रेटर आपको उन्होंने इंस्टॉल किया होगा, बाद ऐसे ऑफिस में जहां पे कॉरल ड्रॉ इंस्टॉल किया होगा। तो अगर आप वहां पे ग्राफिक डिजाइनर की जॉब के लिए जाते हो तो आपको दोनों सॉफ्टवेयर आने चाहिए। किस्मत का क्या बता कि किस किस कंपनी में जाते हो, जहां पे कॉरल चल रहा है या जहां पे इलस्ट्रेटर चल रहा है। तो दोनों आमतौर पर ये हमने दोनों सॉफ्टवेयर रखे हैं सीखने के लिए। आपने इलस्ट्रेटर भी हमसे सीखना है, आपने कॉरल ड्रॉ भी हमसे सीखना है, आपने फोटोशॉप भी हमसे सीखना है। ठीक है, तो आज जो हमारा सॉफ्टवेयर स्टार्ट होने जा रहा है वो है फोटोशॉप। इसको इंस्टॉल करने का तरीका क्या हो सकता है, इसको इंस्टॉल करने का जो मेथड है, मेरे प्रीवियस कल का जो लेक्चर है उसमें मैंने शेयर भी किया है, उसको एक दफा फिर मैं आपसे साथ शेयर कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपका होना जरूरी है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा कि फोटोशॉप में इंस्टॉल कैसे करते हैं। आज मैं दोबारा से एक दफा शेयर कर दूंगा, और उसमें ये भी शेयर करूंगा इसके इंटरफेस के बारे में, फोटोशॉप की थोड़ी सी डिटेल होगी उसके अंदर। सिर्फ इंस्टॉलेशन ही नहीं होगी, सिर्फ इंस्टॉलेशन ही नहीं होगी, बल्कि आज आपको इसमें कॉरल के बारे, अपना फोटोशॉप के बारे में आपको बताया जाएगा, इसके इंटरफेस के बारे में समझाया जाएगा, इसके जो मेन पार्ट्स हैं, मेन्यूज हैं, टूल बॉक्स हैं, पैनल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और एक और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वर्क स्पेस की अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी। आज के दिन में आपको ये सारा एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाएगा, फिर इसके मेन्यू सिस्टम को डिस्कस किया जाएगा, खासतौर पर फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में ये इसकी मेन ऑप्शंस, ये आज सीख लोगे आप। ऑप्शंस क्या हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट, सेव डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट, क्लोज डॉक्यूमेंट। फोटोशॉप में कैसे होता है, लाजवाब है, जब कुछ बनाओगे तो सेव करना लाजमी होगा। कल को कोई आप डिजाइन बनाते हो, एक दिन में तो कंप्लीट नहीं होता, घंटों लगते हैं, दिन लगते हैं, तो आप डिजाइन में जब काम करते हो सेव करना जरूरी होता है, वरना सेव की फीचर ना हो, ऑप्शन ना हो, तो आपका काम सारा जाया हो जाएगा, सेव अगर करने की ऑप्शन ना होती तो। तो आमतौर पे जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें कम अज कम आपकी क्रिएट करने के लिए, सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज करने की सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। आज आपको फोटोशॉप को इंस्टॉल करने से लेके इसके पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के बारे में आपको समझाया जाएगा। आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर आपसे कल को आपका दोस्त कोई भाई पूछता है कि फोटोशॉप आपने सीखी है, सर ने आपको क्या सिखाया है, आपने सर से क्या सीख के आए हो, तो मैं आज आपको कम अज कम, जब आप आज के दिन का सेशन जब क्लोज होगा इंशाल्लाह 3 o'clock, ठीक है, आप 1:15 से लेके तकरीबन 2:45 तक मेरे पास यहाँ पे
क्लास के लिए रहोगे। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आप 1:15 बजे तक आप क्लास में एंटर हो जाया करें, आ जाया करें, ताकि कोई भी पार्ट, कोई भी सेगमेंट आपका मिस ना हो। वरना थोड़ा सा लेट हो जाता ना, वैसे बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है कि पता नहीं सर ने क्या करवा दिया, मैं कैसे करूंगा, कवर कैसे होगा, इस तरह की बातें। तो आप 1:15 बजे से लेके, टाइमिंग हमारी कितनी है स्टूडेंट्स, ये टाइम है हमारा, इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा आप आने की। इस टाइम पे मैं कोशिश करूंगा क्लास स्टार्ट हो जाए 1:20 से ऑनवर्ड, और ये हम तकरीबन तकरीबन आप मैक्सिमम 3 PM तक हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारा टाइमिंग है। और जो दिन है हमारे, वो दिन मंडे ट्यूसडे सेम टाइम पे आपने मेरे साथ क्लास में रहना है, वेनेसडे एंड फाइनली थर्सडे। ये 4 दिन हम क्लास करेंगे। ठीक है, तकरीबन 2 घंटे का, 1.5 घंटे का सेशन होता है हमारा। तो आप इस सेशन के अंदर, आज के सेशन में आपको कम से कम पता चल जाएगा कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मैं आपको दूंगा, सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए इस वक्त? अच्छा, सॉफ्टवेयर अगर आपको रिक्वायर्ड है, लाजमत हम आज पहला सॉफ्टवेयर आज आपके कोर्स का स्टार्ट हो रहा है फोटोशॉप। तो फोटोशॉप को या तो आप मुझसे लोगे, जैसे कि मैं USB आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आज ले लो कल ले लो, आपको सॉफ्टवेयर मैं दे दूंगा। इससे पहले अब प्रॉब्लम क्या होती थी स्टूडेंट्स को कि सॉफ्टवेयर के लिए वो हमारे स्टाफ के पास जाता था, उनके पास टाइम नहीं होता था, कल आना, सुबह आना, शाम आना। तो मैं अब ये पिछले काफी जो मेरे बैचेस गुजरे हैं, मैं सॉफ्टवेयर स्टूडेंट से खुद इंस्टॉल करवाता हूँ। मैं खुद इनकरेज करता हूँ स्टूडेंट को कि सॉफ्टवेयर कम से कम बच्चों आप खुद इंस्टॉल करना सीख लो। कल को आपको कभी अपने PC पे, लैपटॉप पे अगर कोई सॉफ्टवेयर चाहिए हो, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अपनी मशीन के ऊपर कम से कम अपने जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, जो टूल्स हैं, वो आप इंस्टॉल करना आपको आना चाहिए। तो आज सबसे पहले मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सिखाने लगा हूँ। कल मैंने वैसे करवा दिया था, लेकिन आज मैं आपको एक दफा फिर सॉफ्टवेयर आपको 3 डिफरेंट वे से आपको मिल सकता है। पहला, इंस्टॉलेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है तो सॉफ्टवेयर आपको 3 डिफरेंट आपके पास वेज हैं या आपको मिलेगा। या तो आप adobe.com से डाउनलोड कर लो, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, adobe.com से इसको डाउनलोड कर लो। ये होता है ऑफिशियल सॉफ्टवेयर, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर होता है डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट। बट यू नीड टू पे लाइसेंस, इसकी लाइसेंस चार्जेस हैं। लाइसेंस चार्ज करता है आपसे। हाँ, स्टार्ट में आपको ट्रायल वर्जन जरूर देता है 2 हफ्तों के लिए, लेकिन उसके बाद आपसे चार्ज करेगा। ये तो करने की जरूरत नहीं। ठीक है, दूसरा, गेट फ्रॉम योर ट्रेनर। लो जी, ये आप ट्रेनर से ले लो। ये देखो, अब हमारे इससे स्टूडेंट्स काबिल हो जाते हैं, ना सिर्फ वो अपनी मशीनों पे इंस्टॉल करते हैं, बल्कि जो क्लास फेलोज जिनको नहीं आता, हालांकि आपको आना चाहिए था, मुश्किल नहीं है, आसान सा है, अभी आपको करवा देता हूं। तो आपको ये जो सेकंड आपका वे है, ये मैं आपको करवाने लगा। ठीक है, आपको मैंने सॉफ्टवेयर दे दिया, और जो हमारे स्टूडेंट जो यहाँ नहीं आ सकते, आप ये देख रहे होंगे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी हैं, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, जो लाहौर में भी हो सकते हैं, लाहौर से बाहर भी हो सकते हैं। आप में भी कोई ऐसा स्टूडेंट जो सपोज कल नहीं आ सकता किसी वजह से, ट्रैफिक की वजह से, मौसम की वजह से, तो आप ऑनलाइन मुझे ज्वाइन कर सकते हो 1:20 पे। 1:20 पे आप ऑनलाइन आ जाइएगा, घर पे बैठ के भी सहूलत से आप क्लास अटेंड कर सकते हो। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कम से कम जो नियर अबाउट से आते हैं वो यहाँ पे मेरे पास लाइव आके बैठे, ताकि उनको अंडरस्टैंडिंग उनकी ज्यादा डेवलप होती है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आमने सामने बैठ के जो बात हो सकती है, जो समझ आ सकती है, वो मेरे ख्याल में ऑनलाइन कम आती है। लेकिन ऑनलाइन भी आजकल आपको डिस्टेंस लर्निंग के प्रोग्राम चलते हैं, तो ऑनलाइन आप चाहे दुबई में बैठे हो तो आप डिफरेंट टूल्स सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आजकल के दौर में ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती, जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप घर पे बैठ के भी जो आपसे स्क्रीन शेयर की जा रही है और जिस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है, उसे लर्न करके प्रैक्टिस करनी है आपने, प्रैक्टिस करके आप उसको अच्छी ग्रिप कर सकते हो। तो इसमें अब मैं आपको जो थर्ड वे, वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ ऑनलाइन हैं, इनको ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो सकता है। सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो सकता है कहाँ से स्टूडेंट्स? ये अवेलेबल होगा फ्रॉम गूगल ड्राइव।
ये हमने एक गूगल ड्राइव क्रिएट कर रखी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमने अपलोड कर रखे हैं, जस्ट आप इसको डाउनलोड करो, जस्ट यू नीड टू डाउनलोड और इसको रन कर देना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने गूगल ड्राइव आपको दिखाया, और गूगल ड्राइव का लिंक अगर आपको चाहिए स्टूडेंट्स, आपको व्हाट्सएप के अंदर होना जरूरी है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हो गए तो ये मैंने, जब कोई मुझसे ड्राइव का लिंक मांगता है मैं उनको सेंड कर देता हूँ। ये है जी गूगल ड्राइव का लिंक, यहाँ पे आपने जाना है। ये उन लोगों के लिए जो घर पे बैठ के कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चाहिए उनको, मिसाल के तौर पे कॉरल चाहिए मिल जाएगा, फोटोशॉप चाहिए ये मिल जाएगा। ये मैंने यहां से डाउनलोड उन लोगों को जो ऑनलाइन मौजूद हैं उनको मैं यहां से करवा रहा हूँ, जस्ट इसको डाउनलोड करना सिखा रहा हूँ। और ये जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये थोड़ी देर पहले मैंने क्लिक कर दिया था, तो ये देखो ये डाउनलोड के फोल्डर में ये फाइल आ चुकी है। सेकेंड स्टेप, राइट क्लिक किया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। अगर इसमें से कोई स्टेप आपको इस वक्त आप भूल भी जाते हो, इसकी रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा, बल्कि मैंने प्रीवियस अपने सेशन की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दी थी, कल भी आज फिर कर दूंगा। अगर आपको कोई पॉइंट मिस हो जाता है, कोई होता है स्लो लर्नर, कोई देर से समझता है, कुछ को उसी वक्त पिक कर लेते हैं, उनको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप में से किसी का लेक्चर मिस हो जाए, कभी हो जाता है, कोई बीमार होता है, कोई नहीं आ सकता, तो मैं वीकेंड के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दिया करता हूँ, ठीक है। जिस तरह मेरे कुछ स्टूडेंट बैठे होंगे वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि मैं फ्राइडे सैटरडे तक सारे लेक्चर अपने जो 3 हों या 4 हों उनको मैं अपलोड कर दिया करता हूँ। उससे फायदा ही होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे का सेशन होता है, हर चीज़ को मेमोराइज करना ज़रा मुश्किल होता है, तो उनको सहूलत ये मिल जाती है कि वीकेंड के ऊपर घर पर बैठ के कोई चीज़, कोई पॉइंट अगर मिस हो भी जाए तो उसको रिकॉर्डेड वीडियो को देखते हुए आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो ये आपने अब करना क्या है, इंस्टॉलेशन करनी है। मैं बस अगले 2-3 मिनट में इंस्टॉलेशन सिखाने लगा। ये लो जी, पासवर्ड मांगेगा, 1, 2, 3 पासवर्ड है इसका। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, बाकी यहां पे जो स्टूडेंट मौजूद हैं उनको मैं डायरेक्टली ये फोल्डर दे रहा हूं, ये वाला येलो कलर का, जो कि वहां से एक्सट्रैक्ट होता है उस फाइल से। यह भी 1 मिनट में हो जाएगा। और अगला काम स्टूडेंट, इतना आसान है ना, फोटोशॉप इंस्टॉल करना इतना इजी है कि आप किसी बच्चे को भी एक दफा दिखाएंगे, वो अगली दफा किसी से पूछेगा नहीं। हाँ, एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को, उनको सॉफ्टवेयर नहीं मिलता। तो सॉफ्टवेयर मैंने आपको देने के 2 तरीके बता दिए, या मुझसे ले लो जैसे मैंने USB पे आपको प्रोवाइड कर दिया, या गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर लेना जैसे वो मैंने करके रखा, वो आया, उसके बाद आपने अपने लैपटॉप के ऊपर, पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब और कुछ नहीं रहता, अब सिर्फ आपने डबल क्लिक करके इस फोल्डर में जाना है, इसमें एक फाइल पड़ी होती है सेटअप के नाम से, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस करना है, और उसके बाद आपने सिर्फ 2 चीज़ें बतानी होती हैं, एक लैंग्वेज कौन सी, ये जी लैंग्वेज। लैंग्वेज में स्टूडेंट्स आपने नॉर्थ अमेरिका नहीं लेना, मिडिल ईस्ट नहीं लेना, स्पेनिश नहीं लेना, आपने स्पेनिश थोड़ी करनी, हमने इंग्लिश इंटरनेशनल, बस इतनी सी बात है, और कुछ नहीं करना। इससे आसान इंस्टॉलेशन हो ही नहीं सकती। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, 2 मिनट लगेंगे इंस्टॉलेशन कंप्लीट। सिर्फ मसला क्या था स्टूडेंट्स को, सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं था और उनको तरीका नहीं पता था कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। तो आज के दिन के बाद आप में से कोई भी स्टूडेंट हो, उसको अगर कोई इंस्टॉलेशन के लिए कहता है, वो सबसे पहले वो सेटअप उसको प्रोवाइड करेगा और उसके बाद इंस्टॉलेशन ऐसे करते हैं। वो देखो 26% हो गए। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 8-8 मिनट लगता है डाउनलोड करने के बाद या USB से पेस्ट करने के बाद ये काम आप कर देना। उम्मीद है यहां तक किसी को कोई मसला नहीं है। ग्राफिक डिजाइनर, अगर आप पहला कदम लेना चाह रहे हो, आप अपनी क्वालिफिकेशन के लिए, अपनी स्किल्स में कुछ एडिशन चाह रहे हो, आजकल टाइम है बच्चों स्किल्स सीखने का। जितनी भी स्किल्स सीख लें, जब कभी टाइम मिले, जब कभी आपके पास थोड़ा सा टाइम भी स्पेयर हो, स्किल्स को लर्न करो। कल को आप को कोई पता नहीं होता जिंदगी का कि किस वक्त किस चीज की जरूरत पड़ जाए, ठीक है। आप अपनी बेसिक क्वालिफिकेशन जिसकी जो भी है, आप मैट्रिक हो, आप इंटर हो, आप ग्रेजुएट हो, आपने मास्टर MPhil PhD कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, अगर ये स्किल्स सीख लोगे कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर देगी। तो जब कभी टाइम मिले आपको, इतना टाइम तो निकल ही आता है, तो 2 घंटे का टाइम आपको निकालना है, वीक में 4 दिन निकालना है, और तकरीबन 2.5 महीने के लिए आप हमारे पास आओगे,
इंशाल्लाह उसके बाद कम से कम ये इतना आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप अपने लिए कुछ खुद से क्रिएट करना चाह रहे हो, तो वो आप इन टूल्स को इस्तेमाल करके, जिसमें फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, कॉरल ड्रॉ और कुछ एनिमेशन का पार्ट होगा, इसको लर्न करने के बाद कम से कम आप पहला कदम रख दोगे कि आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर अपने लिए कुछ कर सको, दूसरे के लिए कुछ कर सको, किसी कंपनी में जाके उसके लिए सर्विसेज दे सको। तो ये जी हमारा सिंपल सा वे था कि किस तरह आपका आज पहले दिन आते ही आपको मैंने कहा इंस्टॉलेशन आपने खुद करनी है, और ये आपकी अचीवमेंट होगी कि अगर आपने खुद से ये कर लिया तो ये अचीवमेंट है जी आज की। सीधी बात है, आज से दिन से पहले बंदे की सोच थी, आपकी सोच थी कि पता नहीं कभी वो भी दिन आएगा कि मैं खुद भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कर सकूं। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक वे है जिससे आज आपका जो लर्निंग जो आपका प्रोसेस है उसमें आज डे वन आपने कम से कम आपको एक सॉफ्टवेयर जब आपको एक लोकेशन बता दी गई, पॉइंट बता दिया कि ये सॉफ्टवेयर दे दिया गया, उसमें इंस्टॉलेशन आपने कर दी। अब अगली बात, ये भी इंस्टॉलेशन हो जाती है। अब आज के दिन आपने और क्या सीख के जाना है ये देखो, नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट आपने लर्न करना है हाउ टू लॉन्च फोटोशॉप। फोटोशॉप के मैं लॉन्च का मतलब लफ्जी मैं आपको मानी बता, रन कैसे करना है, चलाना कैसे है, एप्लीकेशन चलती किस तरह है, लॉन्च करने के लिए आप क्या कर सकते हो। और ये हर सॉफ्टवेयर के लिए, ये सिर्फ फोटोशॉप के लिए नहीं है, इलस्ट्रेटर हो, कॉरल हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, कोई भी डिवाइस के अंदर आपका जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है इसको चलाने का तरीका क्या होता है। एक तरीका होता है यूज, ऑलवेज यूज स्टार्ट मेन्यू। सबसे आसान ट्रिक क्या होती है, स्टार्ट मेन्यू यूज कर लो। स्टार्ट मेन्यू हमेशा आपके बिल्कुल कॉर्नर लेफ्ट बॉटम पे आपको अवेलेबल होगा, ये विंडोज का आइकन है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये स्टार्ट मेन्यू उसमें लिस्ट दिखाएगा। इस लिस्ट में आपके पास वो सारे प्रोग्राम्स जो इंस्टॉल हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उसमें अगर आप गौर करो फोटोशॉप भी लिस्ट में नजर आ रहा है, ये पांचवें छठे नंबर पे कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कैमरा है, और भी बेशुमार आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर नजर आ रहे होंगे। कॉरल सी की सीरीज में मिलेगा, वो देखो बिल्कुल नीचे कॉरल ड्रॉ आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब ये अल्फाबेटिकली प्रेजेंस होगी इनकी, ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, मुश्किल ना हो। जब आपके पास नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस पे कोई 30, 35, 40 पड़े हों तो आपको सर्च करने में दिक्कत होगी अगर ये सॉर्टिंग ऑर्डर में ना पड़ो, तो ये एक अच्छी अरेंजमेंट होती है कि आपको सॉर्टिंग ऑर्डर में अल्फाबेटिकली नेम वाइज वो आपको दे देता है। तो आप आज के दिन के बाद अगर आपको फोटोशॉप, अभी मैं आपको चलाने का पहला तरीका बता रहा हूं, स्टार्ट मेन्यू से आपने जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये सबसे आसान तरीका होता है फोटोशॉप लॉन्च करने का, चलाने का। देखते हैं, लेट्स सी, कंप्लीट हो गया, ये देखो इंस्टॉलेशन कंप्लीट। ओके, अब हमारा ये काम स्टार्ट होने लगा है। पहला तरीका स्टार्ट मेन्यू, ये लो स्टार्ट, और ये जी फोटोशॉप, और ये मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट चूंकि सॉफ्टवेयर है ये बता दिया। ये बाकी बैठे हैं बच्चे जिन्होंने पहले मेरे से कॉरल पढ़ ली है या किसी ने इलस्ट्रेटर पढ़ ली है, तो उनको पता ही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनको तो दिक्कत है नहीं। ये सिर्फ मैं नए स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ कि कभी आप कोई सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल कर लेते हो लिस्ट में इसकी प्रेजेंस नजर आएगी, जस्ट यू नीड टू क्लिक, बस इतनी सी बात है, फोटोशॉप लॉन्च हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है, बहुत बार स्टूडेंट कहते हैं सर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर वो जेड सीरीज का कोई सॉफ्टवेयर है, एक्स सीरीज का सॉफ्टवेयर है, तो मुझे तो काफी नीचे जाना पड़ेगा, डिफिकल्ट टू सर्च। ये सर्च बार है, लिखा हुआ नजर आ रहा है टाइप हियर टू सर्च, इधर क्लिक कर दो, और सॉफ्टवेयर का नाम अगर आपको याद है स्पेलिंग उसके दे दो, फोटोशॉप। जैसे आप अभी स्टार्ट ही किया है, उधर के टॉप ऑफ द लिस्ट ऐप सर्च करके ले आया वो टॉप पे, यहां से भी आप क्लिक करके सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। ऐसे ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, ये दूसरा तरीका है। तीसरा, जब सॉफ्टवेयर चल गया, ठीक है ये सॉफ्टवेयर लॉन्च हो गया, ये सामने स्क्रीन आएगी, वेलकम स्क्रीन आएगी, फिलहाल मैं इसको बंद कर दूंगा। मैं आपको क्योंकि तीसरे तरीके से अब लेके जाना है, ये स्क्रीन आ गई है, इसको क्रॉस करने लगा, जस्ट क्रॉस, अभी मैंने नहीं करवा रहा, अभी मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में, इंटरफेस के बारे में टोटल डिटेल अभी बताऊंगा, लेकिन अभी चलाने का तरीका, इसका मतलब स्टार्ट मेन्यू से चला लो, टाइप हियर टू सर्च से आप यहां पे जस्ट नेम टाइप करो और आपको अवेलेबल हो जाएगा टॉप ऑफ द लिस्ट।
थर्ड तरीका क्या हो सकता है? पिन योर डिजायर्ड सॉफ्टवेयर इन टास्क बार। ये मैंने एक वर्ड लिखा टास्क बार, आप में से अगर किसी को टास्क बार का नहीं पता तो आपको टास्क बार के बारे में बता देता हूं। ये जो बॉटम पे बार होती है ये वाली, ये टोटल जिसमें डेट, लैंग्वेज, ये स्पीकर, ये चार्जिंग, ये सारे आपको छोटे छोटे इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल लेफ्ट साइड से स्टार्ट मेन्यू और टाइप हियर टू सर्च नजर आ रहा है। इसके दरमियान में ये जो टास्क बार के ऊपर प्रेजेंट, ये टास्क बार टोटल को टास्क बार बोलते हैं। इस टास्क बार के ऊपर अगर आपको आइकॉनिक फॉर्म में या फोटोशॉप चाहिए ताकि आपको ना सर्च में जाना पड़े ना स्टार्ट में जाना पड़े, यहीं पे क्लिक करके आप अपने सॉफ्टवेयर को चला सकते हो। इसको कहते हैं पिन कर देना। पिन का मतलब उसका शॉर्टकट यहाँ पे आइकॉनिक फॉर्म में यहाँ पे दिखा देना। अब वो कैसे करते हैं, पहले तो मैं पिन करना सिखाता हूं। आपने सॉफ्टवेयर पे जाना है, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे टॉप पे जाओगे, ये है मोर, मोर में ये लिखा पिन टू टास्क बार। स्टूडेंट जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा यहां देखो आपको फोटोशॉप का आइकन आने लगा, ये आ गया। अब ये एक सबसे मेरे ख्याल में आप अगर ऑफिस रूटीन में काम करते हो आपको टाइम लगता है स्टार्ट मेन्यू में सर्च करने में, टाइप करने में, सर्च बार में, ये सबसे आसान तरीका होता है। उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को यहाँ पे पिन कर लो जिनमें आप वर्क करना चाह रहे हो, डेली बेसिस पे आप अपनी जॉब में काम करना चाह रहे हो। ये थर्ड वे है फोटोशॉप चलाने का। उम्मीद है आपको तीनों समझ आ गए होंगे। अब अगली बात, अगला नेक्स्ट क्या जी, नेक्स्ट आपने क्या लर्न करना है मेरे साथ, आज आपने इसका इंटरफेस को समझना है। नो समथिंग अबाउट फोटोशॉप ऐप है ना, फोटोशॉप ऐप के इंटरफेस के बारे में समझना है। इंटरफेस, इंटरफेस, इंटरफेस होता क्या है? इंटरफेस का मतलब है ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर उसमें काम करोगे, इंटरेक्ट करोगे। अब उसमें जो मेन मेन एलिमेंट हो सकते हैं इंटरफेस के अंदर, आपको जानना पड़ेगा मेन्यू क्या होता है, इसका सब ऑप्शंस क्या होते हैं, एक तो ये जानना पड़ेगा। दूसरा आपको जानना पड़ेगा इसके कंट्रोल्स क्या होते हैं, इसके टूल बार्स क्या होते हैं, टूल बॉक्स जिसे बोलते हैं, टूल बॉक्स कह लो, टूल बार कह लो, इसके बारे में जानना पड़ेगा। तीसरी चीज आपको इसके पैनल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, पैनल्स की अंडरस्टैंडिंग कितने होते हैं टोटल, आपको स्टार्ट में दिखाई देंगे 11 पैनल्स डिफॉल्ट होते हैं। नाम क्या है अभी बताता हूं। आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी शॉर्टकट्स के बारे में, शॉर्टकट्स क्या करते हैं आपके लिए, किस तरह आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपको काम को किस तरह एफिशिएंट बनाता है, आपको किस तरह काम में आसानी आपको देता है, शॉर्टकट सीखने हैं आपने, कुछ सारे की जरूरत नहीं, कुछ सिखाऊंगा। लिस्ट ठीक ठाक है, कुछ 100-150 के करीब शॉर्टकट कीज होती हैं, सारे याद करने की जरूरत नहीं होती, ना आपको टेंशन लेने की जरूरत, प्रेशर नहीं लिया करो, हर चीज को सहूलत के, अपनी सहूलत के मुताबिक सीखो, ठीक है। शॉर्टकट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो ये वो मेन पार्ट्स हैं जिनके बारे में आपको मैं स्क्रीन के ऊपर पहले दिखाता हूँ, समझाता हूँ, फिर आगे लेके चलता हूँ। ये देखिएगा, जब आप फोटोशॉप में आ जाते हो तो कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखती है, ये है जी टूल बॉक्स, टूल्स ही टूल्स नजर आएंगे। ये देखो, ये 10 ये हैं, 10 ये हैं, 20 और ये 21 टूल नजर आ रहे हैं। आपने ये सारे टूल्स मेरे से सीखने, एक एक टूल का हर एक की अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है। और ये देखो, जिस टूल पे आप जाते हो उसके बारे में बताना शुरू कर देता है, उसका नाम, उसकी शॉर्टकट की, देख रहे हो टूल का नाम साथ में ब्रैकेट में देख रहे हो, एक लेटर लिखा हुआ है। और अच्छा एक चीज और याद रखना, ये टूल बॉक्स के अंदर जो आपको सरसरी तौर पर जो टूल विजिबल है वो तो है 20, लेकिन ये 20 नहीं है, ये तकरीबन 40 है। अब आगोगे सर बाकी कितने, बाकी इसमें जिन टूल्स के साथ छोटी सी ट्राइंगल नजर आ रही है ना, इसमें मजीद टूल्स भी हैं, लिस्ट है पूरी जिसके अंदर छोटी सी ट्राइंगल नजर आ रही है। हाँ कुछ एक दो इसमें ऐसे टूल्स होंगे जिसमें ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल देख रहे हो किसमें नहीं है, ट्राइंगल इसमें नहीं है, और ट्राइंगल किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और कोई ऐसा, और कोई है ऐसा,
जिसमें ट्राइंगल नजर ना आ रही हो। सिर्फ ये दो ऐसे टूल्स हैं जो सिंगल सिंगल हैं अकेले, बाकी जितने भी हैं जब थोड़ा सा आप इस पे जाओ लॉन्ग क्लिक करो ये दो हैं, और जिस टूल को आप क्लिक करोगे फ्रंट पे आ जाएगा, ये देख रहे हो, ये दोनों ही टूल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से किसी टूल को हल्का नहीं लेना, हर टूल की अपनी एक काम है, फंक्शन है, डिस्क्रिप्शन है, डिटेल है। जिस दिन आप ये सारे टूल सीख लिए ना उस दिन फोटोशॉप के आप एक्सपर्ट बन जाओगे, जितनी जल्दी सीख लोगे, जितनी जल्दी मैं सिखा दूंगा। ठीक है, ये देखो इसमें कितने, चार, कितने हो गए टोटल, छह, गिनते जाओ जरा, छह और तीन, नौ और तीन, बारह, बारह और चार, कितने, 70, ओ 70 टूल्स हैं, और आपने 70 टूल सीखने। जिस दिन ये कंप्लीट हो गए, ये पूरे को क्या बोलते हैं, बॉक्स, टूल बॉक्स, जिस तरह मैकेनिक के पास औजार होते हैं ना, कोई चीज बनानी हो, खोलनी हो, ठीक करनी हो, इस तरह ये आपके औजार हैं, टूल्स हैं, जिसके थ्रू आप सारा जो काम करोगे एनवायरमेंट में एज ए ग्राफिक डिजाइनर। अगर आपने अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनना है, इसमें से किसी टूल को आप हल्का नहीं लेना। जिस दिन ये टूल मुझे आ गए थे, मेरे में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था टूल के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। इस तरह मैं चाह रहा था हर एक इंडिविजुअल यहाँ बैठा हुआ है, जितनी अकल मुझ में है उससे कहीं आप में ज्यादा अकल है, तो ये आप इसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ये टूल बॉक्स पूरे का पूरा। अच्छा, बाज का टूल बॉक्स नजर आता है, बाज का इसको हम क्रॉस भी कर सकते हैं, ये लो टूल बॉक्स गायब हो गया। टूल बॉक्स के बगैर तो आप समझते हो ना, समझदार लोग हो कि ग्राफिक डिजाइनर, ये समझ लो ऐसा ग्राफिक डिजाइनर हाथ ही नहीं है, हाथ है आपके, हाथों के बगैर आपको पता मुश्किल होती है जिंदगी। तो ये आपका टूल बॉक्स है, तो टूल बॉक्स आपने हमेशा स्क्रीन के ऊपर रखना है। अगर आप किसी वजह से एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर आपसे बंद हो गया, क्रॉस हो गया, अब ये आएगा किस तरह, ये सोचने वाली बात है, तो इसके बगैर तो काम होगा नहीं। चले वो देखते हैं कैसे आता है। अच्छा, एक तो टूल बॉक्स आपको नजर आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें आपने मुझे बताया गिन के पूरा कितने 70 टूल्स हैं, मैन्यूस उसके पूरी लिस्ट है। अच्छा, इसके अलावा आप अगर गौर करो और क्या नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, और ये फोटोशॉप का आइकन नजर आ रहा है बड़ा सा, और ऊपर टॉप पे देखो क्या नजर आ रहा है, टॉप के ऊपर बिल्कुल ये जो इसे टाइटल बार बोलते हैं, जिस तरह उसको नीचे हम टास्क बार बोलते हैं, ये इस विंडो का क्या है, टाइटल। आप वो इस टाइटल से पता चलता है कि आप किस सॉफ्टवेयर में हो, किस सॉफ्टवेयर में टाइटल बार से पता चल रहा है। वो कॉर्नर पे देखो पीएस लिखा हुआ है, आप जिस सॉफ्टवेयर में हो उसकी विंडो है ये, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टाइटल बार, विंडो का टाइटल होता है। आप उस ऐप में जिसमें काम कर रहे हो, कल को आप इलस्ट्रेटर में हो गए वहां पर AI लिखा होगा, कॉरल में हो गए तो उसका अपना आइकन होगा, डिफरेंट होगा, सिंबल डिफरेंट होगा। तो ये फोटोशॉप विंडो में आप इस पर काम कर रहे हो, और फोटोशॉप के विंडो के जो टाइटल है इसके अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल राइट साइड पे देखो छोटे छोटे तीन बटन्स लगे हुए, एक है क्रॉस, सब समझदार हो, क्रॉस का मतलब क्या, बंद कर दो, ये बंद, ये लो बंद, अगर कर दिया तो लाजमी तो दोबारा आपको चलाना पड़ेगा, दोबारा लॉन्च करना पड़ेगा, दोबारा रन करना पड़ेगा। क्रॉस का मतलब है एप्लीकेशन को, विंडो को फिनिश कर दो, मुझे काम जो करना था कर दिया, बंद कर दो इसको। क्रॉस हमेशा याद रखना हर विंडो के कॉर्नर पे होता है, और ये हम किस सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम को लर्न कर रहे हैं, विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो ये हर एप्लीकेशन की अपनी एक विंडो होगी, और इसकी रिप्रेजेंटेज टाइटल बार क्लियर। तो हर टाइटल बार में कॉर्नर पे क्या होते हैं, कितने बटन, तीन, एक है क्रॉस बंद करने के लिए, दूसरा बटन है जो कि एक डैश सी लगी हुई है माइनस, माइनस का मतलब इसको मिनिमाइज कर दो, और लिखा हुआ नजर आ रहा है मिनिमाइज, मिनिमाइज से क्या होता है, ये अगर तो आपने क्रॉस कर दी ये बंद होगा, मिनिमाइज से बंद नहीं होता, खत्म नहीं होती, इस विंडो को ओपन ही रखता है लेकिन मिनिमाइज कर देता है। और मिनिमाइज का मतलब है, अच्छा एक चीज याद रखना, इसमें अगर आपको आप कंटेंट आपने डेवलप किया कोई कैनवस के ऊपर, आपने बना बनू दिया, आपने क्रॉस करने से तो बंद हो जाएगी विंडो, लेकिन
माइनस पे क्लिक करने से विंडो बंद नहीं होगी, एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, फाइल क्लोज नहीं होगी, बल्कि उस एप्लीकेशन को वक्ती तौर पे स्क्रीन से छोटा कर देगा, मिनिमाइज। और ये छोटा करने का मतलब है, ये अगर आपको व्हाइट बार नजर आ रही है तो इसका मतलब ये अभी तक ओपन है। और इसमें से अगर आप गौर करो, ये कॉरल का आइकन है, इसके नीचे व्हाइट बार नजर नहीं आ रही। और ये भी आपको जिसके नीचे व्हाइट बार नजर आ रही है वो आपकी ऐसी विंडोज है, एप्लीकेशन है जो अभी तक स्टिल ओपन है, जिसको वक्ती तौर पे आपने मिनिमाइज किया हुआ है, लेकिन इसको क्लोज नहीं किया, क्रॉस नहीं किया, बंद नहीं किया। तो ये इसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, आइकन रिप्रेजेंटेशन में, अगर आपको टास्क बार में तमाम वो प्रोग्राम्स आपको नजर आते हैं, या जो तो कुछ उसमें से ओपन है और कुछ उसमें से ओपन नहीं है, लेकिन अवेलेबल है टू ओपन। ओपन कौन कौन से हैं? एक्सप्लोरर ओपन है, गूगल क्रोम ओपन है, नोटपैड ओपन है, जूम में क्लास में ले रहा हूं वो एप्लीकेशन ओपन है, और ये फोटोशॉप ओपन है। हाँ, जो ओपन नहीं है, ये कॉरल का आइकन है, ओपन नहीं है, ये मैंने पिन किया हुआ था क्योंकि मैं कॉरल की क्लास भी ले रहा था, तो कॉरल को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ताकि मैं अपने सर्च बार में ना जाऊं, ना स्टार्ट मेन्यू में जाऊं, यहां से इसको चला लिया करूं, क्योंकि मैं सिखा रहा था स्टूडेंट्स को, इसलिए रखा था। अगर आपको नहीं चाहिए, बालकात स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो खत्म हो गया, बंद करें इसको, अनपिन भी कर सकते, अनपिन राइट क्लिक करने से होता है इसी के ऊपर। और ये देखो बिल्कुल साफ लिखा हुआ है इसने, क्या कर दो, इधर से अनपिन कर दो, ये देखो अनपिन से वो सॉफ्टवेयर खत्म नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ स्टेप, सिर्फ उसकी एक ओपन करने की जो सहूलत थी वो मैंने खत्म कर दी, कहां से, टास्क बार से। अब मैं कहां से ओपन कर सकता हूं, दो तरीके, वही वाले पहले दो, तीसरे को आपने नहीं चाहा आपने क्रॉस कर दिया, ठीक है, अगर वो आपको दोबारा चाहिए दोबारा भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब है टास्क बार में ऐसी बार है जिसमें जो काम हो रहे होते हैं, टास्क हो रहे होते हैं, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, कौन कौन सी एप्लीकेशन में टास्क हो रहा है, काम हो रहा है, जो आपको हाईलाइट है विद व्हाइट बार, ये ओपन है। हाँ, कुछ इसमें हो सकता है ओपन ना हो, लेकिन अवेलेबल टू ओपन है, अगर आप चाहो तो ओपन कर लो। हाँ, जब उसे ओपन किया जाएगा जरूर है उसके नीचे भी व्हाइट बार आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब मिनिमाइज किया हुआ है, जिसको मैंने जस्ट मिनिमाइज इसलिए किया था कि मैं आपको नोट पैड की विंडो दिखा सकूं, जब मैंने देख ली, तसली कर ली, आपको बता दिया, फिर वापस में चला जाता हूं, जिस विंडो पे मैंने क्लिक किया दोबारा मैक्सिमाइज हो गया। अच्छा, एक होता है क्रॉस करना, एक होता है मिनिमाइज करना, एक होता है हाफ मैक्सिमाइज मिनिमाइज के दरमियान का पोर्शन, ये दरमियान वाला पार्ट है। ये देखो, ये टाइटल बार से मैं इसको बड़े आराम से दाएं बाएं मूव कर रहा हूं, इसका मतलब है अभी इसी जगह पे अब जो आइकन रिप्रेजेंटेशन है वो मैक्सिमाइज की। अब क्या ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टोटल फुल मैक्सिमाइज है? नो, हाफ है, जिसको स्टिल मैं यहां से साइज छोटा कर सकता हूं, इसका साइज यहां से पकड़ के मैं छोटा और भी कर सकता हूं। ये देखो, ये आमतौर पे हमें जरूरत होती है जब हम एक ही गो में दो डिफरेंट पार्ट्स को देखना चाह रहे हैं। वो देखो, वो जो टेक्स्ट लिख के समझा रहा था नोटपैड का, वो भी दिख रहा है, और ऐप जो मैंने ओपन की वो भी दिख रही है। तो इसमें तीन बटन की फंक्शनैलिटी मैं आपको समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, क्लोज, मिनिमाइज, और दरमियान वाला बटन होता है मैक्सिमाइज करने के लिए या रिस्टोर करने के लिए। मैक्सिमाइज फुल स्क्रीन, रिस्टोर का मतलब, रिस्टोर का मतलब मैक्सिमाइज से पहले जो हालात हैं स्क्रीन के उस पे आ जाओ, इस वक्त ये है जी इसकी स्क्रीन, रिस्टोर। इस जगह पे दो ऑप्शंस होंगी, एक जब मैक्सिमाइज करने के लिए और एक मैक्सिमाइज से दोबारा पिछली स्टेट पे लाने के लिए। ये लो, ये है मैक्सिमाइज और ये है रिस्टोर, समझ आ गई है यहां तक? अगली बात मैक्सिमाइज कर लेते हैं। अब एक पार्ट का तो मैंने डिस्कस कर लिया, अब आ जाओ दरमियान वाले हिस्से पे, जो व्हाइट बार आपको नजर आ रही है, व्हाइट ऑप्शन जो नजर आ रही है, ये मेन्यू कहलाता है, फाइल मेन्यू, इसकी सब ऑप्शन है, इनको आज हमने सीख के जाना है। हमारे पास पूरा एक घंटा है, मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगा अभी स्क्रीन के ऊपर, कैनवस के ऊपर, उसको फिर मैं नया किस तरह बनता है, जो बना हुआ है उसको ओपन किस तरह करते हैं, किस तरह सेव करते हैं, किस तरह एग्जिट करते हैं, ये सारी ऑप्शन में से कुछ ऑप्शन आज आपको जितनी के मुनासिब हैं आज पहले दिन के लिए उतनी के मैं करवाऊंगा, ठीक है। फाइल मेन्यू के बाद बराबर में एक एडिट मेन्यू भी है, एडिट मेन्यू में बड़ी फेमस ऑप्शंस होती हैं, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट। आमतौर पे जो सॉफ्टवेयर कोई भी सीखता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जिसने सीखा हो आज तक, ये ऑप्शन बड़ी कॉमन सी ऑप्शन है, कट, कॉपी, पेस्ट।
कट कॉपी पेस्ट। नाम अगर नहीं भी आपने सीखा, वैसे ही बंदे को पता होता है कट कॉपी पेस्ट का मतलब क्या होता है। कट कॉपी का मतलब क्या कि आपने एक पार्ट को यहां से कॉपी करके उसको दोबारा से कहीं और पेस्ट करना है, कट करके पेस्ट करना है या कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। और अंडू, जो आपने कोई एक्शन किया होता है उसको रिवर्स करने के लिए, अंडू, जो डू किया है उसको रिवर्स कर दो। तो ये बड़ी कॉमन सी ऑप्शंस आपको आमतौर पे आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर में मिलती हैं, और इसकी अगर आप गौर करो स्टूडेंट शॉर्टकट की सामने लिखी है। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर शॉर्टकट की जिंदगी में जरूरी होती है याद करना समझना, जिन्होंने अपने काम में एफिशिएंसी लेके आनी है, अपने काम में मजीद तेजी लेके आनी है, वो शॉर्टकट की सीखना जरूरी है हम लोगों के लिए। जो चाह रहे हैं बस सीखना ही है, मुझे तेजी वेजी नहीं चाहिए, काम जो मैंने जो करना है वो 5 मिनट में होना चाहिए, वो हमें 1 घंटे में करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो ठीक है करते रहो, शॉर्टकट ना सीखो। लेकिन शॉर्टकट सीखने से फायदा क्या होता है, आपके काम में एफिशिएंसी आ जाती है। शॉर्टकट का नाम ही होता है शॉर्टकट, जल्दी पहुंचने का तरीका, शॉर्टकट नाम से जाहिर है। तो शॉर्टकट आप इसलिए सीखते हो ताकि आपको बजाय ये कि मेन्यू में जाओ एडिट अंडू, टाइम लगता है कि नहीं लगता, चाहे 1 सेकंड लगा, कंट्रोल जेड प्रेस कर दिया वो आसान नहीं। वरने एक ही काम करने के 2 डिफरेंट वेज हो सकते हैं, थ्रू प्रॉपर मैन्यू वे भी हो सकता है और उसकी शॉर्टकट की आपके जो कीबोर्ड के अंडर आपके फिंगर्स के अंडर पड़ा होता है वहां से भी। और अच्छे ग्राफिक डिजाइनर जो होते हैं ज्यादातर प्रैक्टिस रखते हैं, करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं शॉर्टकट की। और इसमें एक चीज याद रखना, विंडोज के अंदर शॉर्टकट लर्न करना इसलिए आसान है कि बहुत सारे एप्लीकेशन में ये शॉर्टकट सेम है। सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस, वर्ड हो, एक्सेल हो, कॉरल हो, फोटोशॉप हो, कॉरल इलस्ट्रेटर हो, सब में कंट्रोल एस। इफ यू नीड टू सेव योर कंटेंट कंट्रोल एस, ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कंट्रोल एन, प्रिंट करने के लिए कंटेंट प्रिंटर लगा हुआ है कंट्रोल पी, और ये है फाइल से रेलेवेंट। अगर आपसे कहा जाए कट कॉपी पेस्ट, सबको पता है कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है, कंट्रोल एक्स कट कर देता है। फोटो इधर पड़ी हुई है यहां से हटा के यहां लगानी है, या इस डॉक्यूमेंट में पड़ी है यहां से हटा के इसमें लेके आनी है, आपको अगर इधर भी चाहिए इधर भी चाहिए तो फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। फर्क है कट पेस्ट का कॉम्बिनेशन, कॉपी पेस्ट से कॉम्बिनेशन से फर्क है। क्या फर्क है, एक में आपको कॉन्टेंट एक ही जगह नहीं दूसरी जगह भी चाहिए, उधर भी चाहिए उधर भी चाहिए, तो कॉपी पेस्ट का कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर आपको इधर से मूव करके लेके जाना है तो फिर कट पेस का कॉम्बिनेशन है। तो कीज स्टूडेंट्स क्या है, कट की कंट्रोल एक्स, कॉपी की कंट्रोल सी और पेस की कंट्रोल वी, ये 3 कीज हैं। अंडू की कंट्रोल जेड, ये ऐसी कीज हैं जो आपको सारे प्रोग्राम्स में मिलती है। इसका मतलब है स्टूडेंट कहते हैं सर इसके साथ याद होगी, मैं कहूंगा यार फोटोशॉप कर ली है, इलस्ट्रेटर स्टार्ट हो रही है, जो कीज उधर आपने की है वही यहां पे भी है, सेम सेम कुछ सेम है, 5% कह लो सॉफ्टवेयर में सिमिलर होती हैं, सिर्फ 5%, बाकी 95% तकरीबन अलग ही होती हैं कीज, शॉर्टकट कीज। इसका मतलब है कि कोई भी काम करना हो उसके 2 डिफरेंट वेज हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक तो आप प्रॉपर मेन्यू के थ्रू परफॉर्म कर लो अपना एक्शन, दूसरा शॉर्टकट कीज को सीखो, और शॉर्टकट कीज जितनी जल्दी सीख लोगे उतने आपके लिए इसमें वर्क करना आसान हो जाएगा। अभी मैंने आपको मेन्यू के बारे में बता दिया, उसके सब ऑप्शन देख ली, एडिट इज अ मेन्यू ऑप्शन, सब उसकी कट कॉपी पेस्ट अंडू वगैरह, मेन्यू आपका फाइल है और उसके अंदर ऑप्शन है न्यू ओपन सेव क्लोज वगैरह वगैरह। टूल बॉक्स मैंने आपको बता दिया कि टूल बॉक्स किसको बोलते हैं, शॉर्टकट कीज मैंने आपको बता दिया, अदर वे टू परफॉर्म द सेम एक्शन जो मेन्यू के थ्रू कर रहे हो। अब एक चीज दरमियान में इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं दी मैंने कि ये क्या चीज है, कितने पैनल्स बताए, 11 नाम, आज के दिन के बाद आपको वो 11 नाम पता चल जाएंगे जो इसमें बड़े पॉपुलर होते हैं। और इसमें इसमें एक चीज जो और आपको चाहिए होगी पैनल्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, वो वर्कस्पेस की चाहिए होगी। वर्कस्पेस जो डिफॉल्ट होती है उसका एक नाम है एसेंशियल्स, का मतलब क्या होता है वैसे लफ्जी मानी, लाजमी, जरूरी, जो सॉफ्टवेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स है,
ऐसा एनवायरनमेंट जो इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए। एज ए ग्राफिक डिजाइनर जो जरूरी चीजें हैं एनवायरनमेंट में, जो होनी जरूरी चीजें हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हो सकती हैं? पैनल्स 11 जरूरी, टूल बॉक्स की प्रेजेंस, टूल बॉक्स की प्रेजेंस हमेशा याद रखना लेफ्ट साइड पे होती है, पैनल्स की प्रेजेंस हमेशा राइट साइड पे होती है। टूल बॉक्स की प्लेस कहां, प्लेसमेंट कहां होती है स्क्रीन के ऊपर? लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्रीन, अभी दिखाता हूं। और पैनल्स की पोजिशन हमेशा याद रखना ऑन राइट साइड ऑफ स्क्रीन। अभी आपको मैं दिखा भी देता हूं ताकि आप मेरे इस टॉपिक के साथ कनेक्ट हो जाओ। कल को अगर मैं आपसे पूछूं, कोई आपसे पूछता है, आप कहीं पे इसी तरह मेरी सीट पे बैठे हो और सिखा रहे हो लोगों को, तो आप उसको इसी तरह फिर बताओगे ना, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप उसको उसकी करवाओगे, टूल के बारे में अवेयरनेस दोगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें जब आप फोटोशॉप में जाते हो तो पैनल्स क्या है? पैनल्स में एक पैनल आपको इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसका टाइटल भी दिख रहा है, पैनल का नाम लेयर्स। ये समझ लो जिस तरह इंसान बगैर सांस के जिंदा नहीं है, तो फोटोशॉप बगैर लेयर के जिंदा नहीं है, लेयर ही लेयर है इसमें काम, सारा लेयर्स में काम होता है। लेयर्स क्या होती हैं? वो आपको कल तक सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या मतलब, मैं क्यों कहा था कि ये आपकी लाइफ लाइन है, जिंदगी है, जैसा ऑक्सीजन इंसान को चाहिए, ये इसके बगैर, पैनल के बगैर फोटोशॉप अधूरा है। अगर ये बंद हो जाए, क्रॉस हो सकता है, ये लो दो चीजें मैंने बंद कर दी हैं, जो 11 पैनल में से एक पैनल इसका नाम लेयर होता है, वो भी मैंने बंद कर दिया। और एक जो लेफ्ट साइड पे था, क्या नाम था उसका? टूल बॉक्स, वो भी मैंने बंद कर दिया। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये टोटल जरा स्क्रीन तो दिखाएं कि इसके ऊपर मैं बनाऊंगा किधर, कोई ऐसी स्पेस बताएं जिसपे मैं कुछ डिजाइन अपना क्रिएट करूंगा। कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस कार्ड हो सकता है, कोई टाइटल पेज हो सकता है, कोई फ्लायर हो सकता है, कोई बैनर हो सकता है, आप कोई फोटो हो सकती है जिसके अंदर आपने इमेज के अंदर कुछ चेंजेस करनी है, तो आपको उसके लिए डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या? एक नया डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कोई नहीं किया, उसके लिए अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, लिखे हुए दो बटन नजर आ रहे हैं साइड पे, नहीं नजर आ रहे तो दिखा देता हूं, ये दो बटन आपको नजर आ रहे हैं क्या? अभी कुछ आपने बनाया है? अभी तो कुछ नहीं बनाया। यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, क्रिएट न्यू। लाल जब कुछ बन जाएगा, सेव हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कल आके उसको ओपन करना पड़ेगा। ये दो बटन, सिर्फ दो ही आपको नजर आ रहे हैं, न्यू। भाई पहले कुछ बनाओ तो सही, कोई डिजाइन तो करो, जब बन जाएगा उसको सेव किया जाएगा, सेव करने के बाद एप्लीकेशन को बंद कर दिया जाएगा। अगले दिन आते हैं या अगले घंटे में आके दोबारा मैं उस फाइल को क्या करूंगा जो सेव की होगी? ओपन करूंगा। अच्छा जी, अभी मजीद ये मैंने आपको दो बटन दिखाने थे। अच्छा, मजीद इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स? होम। अच्छा, होम में ये आपको एक ट्यूटोरियल दिखा रहा है, वो आपको सिखाना चाह रहा है, गेट टू नो अबाउट फोटोशॉप। क्या लिखा हुआ है? गेट टू नो अबाउट फोटोशॉप स्टेप बाय स्टेप। क्या ट्यूटोरियल पसंद करते हो और देखना, कुछ सीखना चाह रहे हो अपने बिहाव पे? मैं नहीं सिखा रहा, आप घर पे बैठे हो, खुद ही बैठे हो, कोई नहीं सिखाने वाला ट्यूटोरियल्स, ये फोटोशॉप में आपको खुद दे रहा है। और थोड़ा सा अगर आप डाउन करो, ये क्या लिखा हुआ है? ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज। वो इमेज यहां पे ला के छोड़ दो जिसमें एडिटिंग करनी है। फोटो में आप मरी गए, जीपीओ पीछे है, आप चाह रहे हो, आप जीपीओ की सीढ़ियों में बैठे हो और आप अब ये शो करना चाह रहे हो कि मीनारे पाकिस्तान की सीढ़ियों में बैठे हो, जीपीओ सी सीढ़ियों से उठ के आप क्या शो करना चाह रहे हो फोटो में? कि बैकग्राउंड में पहले क्या था? जीपीओ मरी वाला, अब क्या आ गया? मीनारे पाकिस्तान या कायद का मजार। किस तरह? यू नीड टू एडिट इमेज के अंदर, मतलब बैकग्राउंड को चेंज करोगे ना। अच्छा, कभी अगर आपने इस ऑप्शन को समझ ना हो, इस पे भी, और इसने साफ आपको कहा है, क्या कहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप एन इमेज, सिलेक्ट वन फ्रॉम योर कंप्यूटर टू गेट स्टार्टेड।
या तो आप बताओ आपके कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ा हुआ है। मेरे पास बेशुमार पड़े हैं इमेजेस, उनमें से किसी एक को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक चीज और, ये करने से पहले आप जब इसमें जाओगे तो आप आज के दिन के बाद आपको कैनवस का पता चल जाएगा। कैनवस क्या है? नहीं, कैनवस आपका एक ऐसा पेज है, पेज जिसके ऊपर कंटेंट आप रखोगे, व्हाइट स्पेस होगी, जिस तरह व्हाइट बोर्ड नहीं लगा होता क्लासरूम में और आप मार्कर से पकड़ के एक अपनी शक्ल बनानी शुरू कर देते हो, पाकिस्तान का मैप बनाना शुरू कर देते हो, पाकिस्तान का फ्लैग बनाना शुरू कर देते हो, कैनवस है वो व्हाइट बोर्ड को हम कैनवस कह रहे हैं। फोटोशॉप में, कॉरल में उसको पेज बोलते हैं, इलस्ट्रेटर में उसे आर्ट बोर्ड बोलते हैं, फोटोशॉप में उसको कैनवस बोलते हैं। वो व्हाइट बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड किस लिए होता है? ये थोड़ी होता है कि टीचर उठ के वो दीवारों पर लिखना शुरू कर देता है। वो व्हाइट बोर्ड वो एरिया जिसके ऊपर उसके पास स्पेस है अपना कंटेंट बनाने का, अपने टेक्स्ट लिखने का, अपने पैराग्राफ लिखने का, कोई डायग्राम्स बनाने का। तो सारा आपका जो व्हाइट बोर्ड है, असल में व्हाइट बोर्ड का एक डायमेंशन होती है कि नहीं होती? डायमेंशन का मतलब स्टूडेंट साइज, व्हाइट बोर्ड का कोई साइज होगा कि नहीं होगा? बाद क्लासरूम में बड़े व्हाइट बोर्ड हैं 15 फुट बाय 10 फुट, बाद होगा छोटे भी होते हैं 5 फुट बाय 6 फुट। पहले हमेशा विड्थ होती है व्हाइट बोर्ड की, पहले हमेशा मेजरमेंट में विड्थ होती है, हाइट कभी नहीं पहले बताते। ये रूल है ग्राफिक डिजाइनर के लिए, ये यहां पे रख लो दिमाग में। जब कभी आप कोई साइज बताते हो, चाहे व्हाइट बोर्ड का हो, चाहे कैनवस का हो, चाहे पेज का हो, चाहे आर्ट बोर्ड का हो, हमेशा रिमेंबर आपने पहले विड्थ उसकी बतानी है मेजरमेंट में, कि व्हाइट बोर्ड की, कैनवस की, आर्ट बोर्ड की विड्थ कितनी है, और फिर अगली जो वैल्यू बताओगे उसकी हाइट बताओगे। अब वो हाइट विड्थ इंचेस में बतानी है, सेंटीमीटर में बतानी है, मिलीमीटर में बतानी है, फुट में बतानी है, ये आप पे डिपेंड करते हैं आप किस यूनिट में बताते हो। अगर आप 5 फुट कह दो, अब 5 फुट की बजाय अगर 60 इंच कह दो, क्या फर्क है उसमें? 5 फुट और 60 इंच में क्या फर्क है? चलो यूनिट का फर्क है, साइज सेम है भाई। 1 फुट में 12 इंच अगर होते हैं तो 5 फुट में 60 ही हुए ना। तो अगर मैं 60 बोलूं या 5 फुट बोलूं, सिर्फ यूनिट का फर्क डाल रहा हूं मैं। 5 फुट अगर मैं कह रहा हूं या मैं 60 इंच कह रहा हूं बोर्ड का साइज या कैनवस का साइज, तो मतलब एक ही है, मेजरमेंट इज द सेम, बट यूनिट इज डिफरेंट। और अगर मैं उसको मिलीमीटर में ले जाऊं या सेंटीमीटर में ले जाऊं, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5। फुट नहीं देखा कभी? दो साइड होती है ना, एक साइड पे इंच होता है, दूसरी साइड पे सेंटीमीटर होता है, और 1 इंच के अंदर उधर देखना 2.54 के बराबर लकीर आएगी आपकी। तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, 2.04 ज्यादा ही होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 इंच, और 12 इंच इज इक्वल टू 1 फुट। ये तो स्केल का तो पता है, 1 फुट, फुट फुट क्यों बोलते हैं फुट उसको? ये फुट जो स्केल होता है 1 फुट का ही होता है, इसलिए फुट बोलते हैं उसको, पता है ना? सब फुट 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 ले गया है, वो स्केल ले आओ, फुट ले आओ, फुट फुट, हम आप तो स्केल नहीं, फुट बोल रहे होते हैं, रूलर ले आओ। तो फुट में कितने इंच होते हैं स्टूडेंट्स? 12। और हर इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो एक्चुअली जो कैनवस जो होता है, कैनवस के डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। और बहुत फेमस साइज है स्टूडेंट्स, बहुत फेमस साइज है, पहला नाम लेटर साइज। और इसकी मेजरमेंट पता कितनी होती है? 8.5 इंच बाय कितना? 8.5 बाय 11। जो लेटर साइज होता है आमतौर पे, जो हम अपने ऑफिस में बैठ के आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, प्रिंट निकालते हैं लेटर पेज के ऊपर, हम कहते हैं लेटर पेज के ऊपर प्रिंट निकाल लाओ, लेटर पेज पे प्रिंट निकाल लाओ। लेटर पेज का मतलब क्या होगा? साइज क्या है उसका? 8.5 बाय, ये जो लेटर साइज, ये वाला, ये लेटर साइज है 8.5 बाय 11 इंच।
अच्छा कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिसमें लेंथ 14 इंच होती है, और खास तौर पे आपने देखा होगा वकीलों के पास आपकी रजिस्ट्रियां आपके एग्रीमेंट वो 14 इंच होता है, 14 इंच विड्थ वही होगी, 8.5। हाइट कितनी होती है? 3 इंच ज्यादा, 14। और उसका नाम भी है, एक क्या नाम है उसका? एक तो क्या बड़ा फेमस साइज है लेटर साइज, ठीक है, उसको बोलते हैं, उसका नाम है, इनके नाम है, उसका नाम क्या है? बड़ा फेमस लीगल, इसीलिए लीगल उसे बोलते हैं। हाँ लीगल साइज, लीगल साइज में क्या होता है स्टूडेंट्स, विड्थ इज सेम बट इसको 8.5 बाय इस तरह भी लिख सकते हो, बाय सो ये नहीं, इसका मतलब है दाग रहे 14 इंच, 8.5 बाय 14। और डायमेंशन इसे बोलते हैं डायमेंशन, डायमेंशन में याद रखना पहले विड्थ होती है फिर हाइट होती है, ये जितनी भी मैं आपको यहां पे मेजरमेंट के साइज बता रहा हूं ऑलवेज रिमेंबर विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब वो किस यूनिट में है, वो यूनिट डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं, यूनिट की आपको सेंस होनी चाहिए, यूनिट्स यूनिट्स के बारे में आज के दिन के बाद आपको पता होना चाहिए। आमतौर पे जो यूनिट स्क्रीन के लिए होते हैं वो पिक्सल होते हैं। अब आपने ये पिक्सल, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, मैं अभी बताता हूँ पिक्सल का मतलब क्या। इसका ये शॉर्टकट है पिक्चर एलिमेंट, पिक्सल इज शॉर्टकट ऑफ PI पिक्चर, EL एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। ये मैं आपको ये पिक्चर एलिमेंट इस तरह समझ लो कि आप बोर्ड के ऊपर मार्कर से एक डॉट लगा देते हो, जो सबसे छोटा यूनिट होता है बोर्ड के ऊपर डॉट, और अगर आपने सर्कल भी बनाना है तो डॉट्स आपस में मिलकर सर्कल बनेंगे ना, अगर आपने कर्व भी बनानी है तो डॉट्स ही आपस में मिलकर कर्व बनेगी ना, लाइन भी लगानी तो एक डॉट से मिलकर आपस में लाइन लगाएगी, अगर रेक्टेंगल भी बनाना है तो एक डॉट से मिलकर आपस में रेक्टेंगल लगेगा, अगर आपने ए भी लिखना है तो डॉट्स ही आपस में मिलकर ए बनाएगा। स्क्रीन के ऊपर उसको पिक्सल बोलते हैं, बोर्ड के ऊपर फिजिकल बोर्ड के ऊपर उसको हम डॉट बोलते हैं, पिक्सल और डॉट एक ही बात है, मतलब स्क्रीन के ऊपर सबसे छोटा यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं, पिक्सल। जैसे आप टीवी स्क्रीन ऑन करते हो जब चैनल गायब हो जाते हैं तो डॉट डॉट ही नजर आ रहे होते हैं स्क्रीन पे, तो डॉट्स आपस में कनेक्ट होकर क्या बनते हैं, एक इमेज को कंपोज करते हैं। ये हमारा फेस भी है, ये भी डॉट्स ही है इसमें, अगर आप कभी इसको माइक्रोसॉफ्ट पे व्यू देखो बहुत बड़ा, तो डॉट्स ही नजर आएंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, स्किन कलर के, और जब आप फोटो कहीं क्लिक करके आप उसे जूम करते हो ना तो डॉट्स ही वहां पे आपस में कनेक्ट होकर एक पिक्चर को कंपोज करते हैं, जब उसे जूम करते हो वो जी सा आपको खड़े खड़े नजर आ रहे होते हैं, जब आप जूम आउट करते हो तो आपका इमेज ही होता है, पिक्चर ही होती है, फेस ही होता है आपका पिक्सल। तो स्क्रीन के लिए याद रखना सबसे छोटे यूनिट को क्या बोलते हैं, पिक्सल। और आमतौर पे जो पोस्टर बनता है, यूट्यूब का थंबनेल बनता है, जो फेसबुक के ऊपर एड बनता है, उसमें जो यूनिट होता है वो मेजरमेंट के लिए आमतौर पे पिक्सल होता है। मैं कहता हूँ 1000 बाई 1000 पिक्सल का पोस्टर बना दो, 1000 बाई 1000 पिक्सल का पोस्टर बना दो, जब स्क्रीन की बात होगी पिक्सल की बात होगी, और जब प्रिंट की बात होगी, प्रिंट मतलब बिजनेस कार्ड प्रिंट होना है, प्रिंट की बात इन्विटेशन कार्ड प्रिंट होना है, बुक का टाइटल पेज प्रिंट होना है, जो प्रिंट होने की बात होगी तो उसमें आमतौर पे हम थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट इंचेस में सेंटीमीटर में, इंचेस जिनका बैकग्राउंड यूएस एजुकेशन से है, यूएस में आमतौर पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसको प्रेफर करते हैं, इंचेस की मेजरमेंट, और जो यूके वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कैम्ब्रिज से पढ़ के आते हैं तो वो आमतौर पर यहाँ वहाँ के क्लाइंट जो होते हैं वो मीट्रिक में बात करते हैं, मेजरमेंट वो आमतौर पर किस में पसंद करते हैं, अंडरस्टैंडिंग किस में ज़्यादा होती है उनकी, मीट्रिक, मीट्रिक मतलब सेंटीमीटर डेसीमीटर मिलीमीटर, और इंचेस यूएस से रीजन से रिलेटेड है मेजरमेंट, और यूके से रिलेटेड जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसमें पसंद करते हैं काम करना वो मीट्रिक होती है, तो मीट्रिक मतलब सेंटीमीटर डेसीमीटर मिलीमीटर, और यूएस में ज़्यादातर इंचेस में, और हम चूंकि हम हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा यूएस का है तो हम यूनिट ऑफ मेजरमेंट आमतौर पे जब स्केलिंग करते हैं मेजरमेंट करते हैं किसी पोस्टर की एड की इंचेस में बात कर रहे होते हैं कि इतने बाई इंच इतने इंच का आपका। अच्छा अब
यूनिट ऑफ मेजरमेंट में कौन कौन से फेमस फेमस यूनिट्स हैं? पिक्सल हो गया, और कौन सा है? इंचेस, और कौन सा है मेट्रिक में? सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह। ये बड़े फेमस फेमस फेमस, और यहां बहुत बड़ा स्केल है तो हम फुट में भी बात करते हैं या फीट में बात करते हैं। ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आपने इन यूनिट्स के साथ अपने आप को जरा कनेक्ट रखना है, ठीक है? और जो डिफरेंट साइजेस हैं, अनदर वेरी वेरी फेमस साइज आमतौर पे बिजनेस कार्ड साइज होता है। बिजनेस कार्ड साइज आपको पता है स्टैंडर्ड है ऑल ओवर द वर्ल्ड, 3.5 बाय। जो भी आपने आईडी कार्ड देखे होंगे, बिजनेस कार्ड देखे होंगे, विजिटिंग कार्ड देखे होंगे, उसकी विड्थ हमेशा याद रखना 3.5 और हाइट 2 इंच होती है। कम ज्यादा हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड जो फॉलो करने चाहिए, जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड सेट कर दिए जाते हैं, तो आप उसको फॉलो करो, तो उसके मुताबिक क्या है 3.5 बाय 2 इंच में। बाकी इसको इंच को सेंटीमीटर में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो वो तो मसला नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2.54 ऑन बोथ साइड विड्थ और हाइट में, तो वो आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। अच्छा, ये जितनी मैंने आपको अवेयरनेस अभी दी है, इसको अगर आप अब फोटोशॉप में चले जाओ और फोटोशॉप में जाके एक नया डॉक्यूमेंट अगर आप क्रिएट करना चाहो, चले वो भी करता हूं, लेकिन चूंकि ड्रैग एंड ड्रॉप की बात हो रही थी, लेट्स गेट सम इमेज। मेरे कंप्यूटर में बेशुमार इमेज पड़े हैं, देखते हैं। यहां तो वो कह रहा है ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर दो, यहां ओपन कर दो, देखते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? ओपन, दोबारा देखो, क्लोज का मतलब बंद कर दो, कंट्रोल डब्ल्यू इसकी शॉर्टकट की है। अभी मैं आपको शॉर्टकट की याद करने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ कह रहा हूं देख लो, कंट्रोल डब्ल्यू विंडो को बंद करना, विंडो को बंद करना, कंट्रोल डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर विंडो, कंट्रोल डब्ल्यू टू क्लोज। ये देखो, ये रिसेंट में आ गया, अभी मैंने किया ना आपके सामने, रिसेंट में ये यहां पे आ गया। तो इसी तरह आप अगर मजीद इसको दोबारा से अगर ओपन करना है, दोबारा आप क्लिक करोगे, दोबारा ओपन हो जाएगा। फायदा इसका क्या है कि ऐसा आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जिसमें आपने रोजाना उसी पे काम करना है, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो मेन भी पड़ी होगी, सामने दिख रही होगी, क्लिक करोगे सामने ओपन हो जाएगा, बंद कर देते हो दोबारा। अच्छा, अगर आपने कोई और इसके अलावा ओपन करना हो तो ओपन से भी कर सकते हो। कोई और ओपन करूं? आ गया, कोई और ओपन करूं? अच्छा, आप इस वक्त कितने ओपन है? एक, ये दिख रहा है ऊपर नाम भी आ रहा है इसका। एक और ओपन करूं? इसका काम ही ओपन करना है, कंट्रोल ओ। एक और ओपन हो गया, पहले वाला ये है, दूसरे वाला इसके बराबर में ओपन हो गया, जितने मर्जी ओपन करो। एक और ओपन करूं? ये वो, अच्छा ये अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, या आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए, सर ये इमेजेस किधर से आते हैं ये तो बताएं, कि आपने कहां से लेके आए हैं, कि आपने खुद खींची हैं तस्वीरें या कहीं वेबसाइट से डाउनलोड की है? तो मैंने वेबसाइट से डाउनलोड की है। वेबसाइट कौन कौन सी है जहां से डाउनलोड करोगे अच्छी इमेज, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपके पास अच्छी इमेज, मतलब अच्छी कलेक्शन नहीं होगी, आपको मजा नहीं आएगा काम करने में, क्योंकि आपने इमेजेस के ऊपर काम करना है, वर्क करना है, सीखना है टूल। एक और ओपन करते हैं, ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बना रखे हैं अपनी मर्जी से मुताबिक। मुझे फर्नीचर के फोटो चाहिए, एक्सपो ये बाहर लगा हुआ है, एक्सपो का एक पोस्टर बनाना है मैंने, देखा आपने, लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो 2024 अगस्त 8, 9, 10, ऊपर इमेजेस 3 पड़े हुए हैं या डेट्स लिखी हुई हैं 8, 9, 10, और डिफरेंट एक फर्नीचर का फोटो, सोफे का फोटो लगा के नीचे एक्सपो सेंटर लाहौर, ये आपने बनाना है फोटोशॉप में, बन जाएगा। सिर्फ आपके पास इमेजेस जो होंगे वो आपको आपका क्लाइंट भेज देगा, या आपको कहते हैं यार एक काम करो, अच्छा सा फर्नीचर कहीं वेबसाइट से डाउनलोड कर दो, डाउनलोड करके मुझे बस एक पोस्टर बना दो,
एक बैनर बना दो, मैंने पोल पे लगाना है, जैसे ये लगे हुए नजर आ रहे हैं आपको रोड्स पे, आज यहाँ के बंद करके आए हो, देखा ही नहीं रोड पे क्या लगे, मेरी बिलास से जो मर्जी लगाओ, लेकिन नजर आता है, जिसकी अल्लाह ताला ने आंखें दी वो देखते ही है ना रोड के ऊपर ये जरा उसको देखना, और वो फिर आपने बनाना है। आओ सर पहले दिन ही मंडे को, चलो देख लेना एक दफा, मंडे को आपने वो बनाना है, फिर ही फायदा है ना मेरे पास आने का। अगर बनाने ही कुछ नहीं है, बनते ही कुछ नहीं है, समझ ही कुछ नहीं आती है, सर पता नहीं क्या पढ़ा देते हैं, तो फिर घर पे बैठना बेहतर नहीं है मेरे पास आने, मेरे पास आए तो कुछ ना कुछ तो बनाओ ना, तो जरा उसको जरा वॉच करना। आसान सी असाइनमेंट दे रहा हूं, मंडे ट्यूसडे 2 दिन आपने आना है, वेनेसडे को छुट्टी है, अगले वेनेसडे को 14 अगस्त अगले वेनेसडे को आ रहा हाँ तो छुट्टी है, तो ट्यूसडे को इंशाल्लाह फिर देखेंगे क्या करना है। ट्यूसडे को क्लास है, सॉरी थर्सडे को क्लास है, वेनेसडे को ऑफ है, कौन सा वेनेसडे, एक तो आज है, नहीं एक कल है, अगला, ठीक है, तो 14 अगस्त को ऑफ होगा, तो हम इंशाल्लाह थर्सडे को क्लास जरूर करेंगे, मंडे ट्यूसडे को भी करेंगे, तो अगले हफ्ते तक आप इस काबिल हो जाओगे। वो पोस्टर जो आपने देखा होगा, मैं नहीं कह रहा सेम डिटो बना दो, कुछ मिलता जुलता उसको आज आते जाते देख लेना, 8 9 10 तक तो लगा ही होगा ना वो, बल्कि 11 12 तक भी लगा ही होगा, वो कहाँ उतर जाना है इतनी जल्दी, तो वो आपने एक दफा देख लेना है क्या कलर्स हैं, क्या फॉन्ट्स हैं, क्या इमेजेस हैं, कहाँ से मिलेंगे इमेजेस, क्या सर वो देंगे इमेजेस या कहीं से डाउनलोड करने पड़ेंगे। मैं आपको डाउनलोड करके डिफरेंट वेबसाइट्स दिखा दूंगा, वहां पे फर्नीचर के ब्यूटीफुल फर्नीचर, अच्छे अच्छे इमेजेस पड़े हुए, बस उसको लगाना है, तरतीब लगानी है आपने, और वो आप पीर मंगल तक इस काबिल हो जाओगे, अगली पीर मंगल तक। अभी कल का हमने सेशन लेना है, ठीक है, कल का सेशन हमने भी लेना है, हो सकता है इस थर्सडे को ना हो लेक्चर, हो सकता है, मैं आपको कल बता दूंगा, लेकिन हमने कल का सेशन लेना है, उसमें आपको मजीद कुछ अंडरस्टैंडिंग टूल के बारे में आ चुकी हो, कैनवस के साइज के बारे में, काम के बारे में, ये लो अब ये फोटोज देखो, मैंने कुछ डाउनलोड कर रखी हैं, आपको भी बता दूंगा कहाँ पड़ी हुई है, आप भी इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मैं सिर्फ ओपन कर रहा हूं, ये फोटो ओपन करनी है, जैसे मैंने इसको ओपन किया फोटो ओपन हो गई, और अगर आप स्टूडेंट गौर करो, इस वक्त मैंने 3 डॉक्यूमेंट ओपन कर लिए, ये ऊपर दिख रहा है, समझ आ रही है, फिर मैं इस पे काम करना सिखाऊंगा, काम में से एक काम अभी करके दिखा देता हूं। अच्छा काम तो बाद में करेंगे, अभी मैंने सिर्फ ओपन करना सिखाया, और दूसरा मैंने क्या करना सिखाया, क्लोज करना सिखाया, ये 2 काम मैंने सिखाए हैं, ओपन करने डॉक्यूमेंट जो पड़े हुए हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं, आपका अपना डिजाइन क्रिएट किया हुआ भी हो सकता है, अभी जो हम थोड़ा कल या अगले रोज हम इंशाल्लाह करेंगे, तो जब आप कोई चीज ओपन कर दो, इसको क्लोज करने का क्या क्या मेथड हो सकता है, ये क्रॉस नजर आ रहा है छोटा सा, यहां से भी क्लोज कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या था, यहां से भी क्लोज कर सकते, इसमें और इसमें फर्क है, क्या फर्क है, सारी फाइलें 3 की 3 हो या 300 हो, सब क्लोज, इस वक्त कितने ओपन है डॉक्यूमेंट, 3, तीनों क्लोज हो जाएंगे एक ही ग्रुप में, एक एक करके करना है, ये कर लो सारे क्लोज करने हैं, यहां से कर लो, और ये देखो जो जो ओपन हुआ है वो रिसेंट में आई जा रहा है, सॉर्टिंग ये रिसेंट ये आपको दिख रहा है, नेम वाइज भी देख सकते हो, साइज वाइज भी देख सकते हो। अच्छा दोबारा सुन लो, अब मैं ओपन की तो थोड़ी सी समझ बन रही है कि ओपन क्या करते हैं, जो आपके पास अच्छा स्टॉक जो पड़ा हुआ है, लाइब्रेरी पड़ी हुई, आपके फोल्डर पड़े हुए, वहां से आप फाइलें ओपन कर रहे हो, अभी मैंने काम करना नहीं सिखाया, उसमें एडिटिंग नहीं करवा रहा ना, उसको मैंने किसी और मकसद के अभी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ फाइलें जो पड़ी हुई थी मेरे पास कलेक्शन, उनको ओपन करना सिखा रहा हूं, अच्छा, और क्लोज करना सिखाया है, ये 2 चीजें तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक ऐसा स्क्रीन चाहिए, कैनवस चाहिए जो खाली हो, जिसपे कुछ ना हो, ये तो फोटो ले आता है ना, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट न्यू क्रिएट करना पड़ेगा,
क्या लिखा हुआ है, क्रिएटर न्यू ओपन से, तो लाजा था कहीं सेव किया हुआ था कंप्यूटर पे, उसको ओपन कर लिया था आपने, और क्लोज करने से उसको बंद कर दिया था। लेकिन क्रिएट न्यू का मतलब क्या होता है, क्रिएट न्यू का मतलब क्या होता है कि आपने एक खाली डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट आपने बनाना है, क्रिएट करना, खाली ब्लैंक, जिसका साइज मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, लेटर साइज रखना है, लीगल साइज रखना है, बिजनेस कार्ड साइज रखना है, जो आपका हो गया। आपने जब न्यू पे क्लिक करते हो, आपको कुछ सेटिंग बतानी पड़ती है, ये है जी सेटिंग विंडो, इसको जरा समझ लो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दो डिफरेंट साइज को डिस्कस किया, लेटर और लीगल, ये प्रिंट बटन देख रहे हो, क्या ये वो साइज हैं, लेटर लीगल, और बड़ा एक फेमस साइज है मिलीमीटर में, आमतौर पे पोस्टर जो बनाते हैं काफी आ रहा आ जाएगा, जो पोस्टर बनता है ना, और जब आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो वहां पे आपने रिम देखे होंगे, उस पे A4 साइज लिखा होता है, देखा कभी स्टेशनरी की दुकान पे, कभी नहीं देखा, बंडल पड़े होते हैं A4 साइज के। A4 साइज का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मिलीमीटर में क्या मेजरमेंट बनती है उसकी, ये क्लोज टू लेटर साइज है, ये मिलीमीटर में है, वो यूनिट आपका इंचेस में है, IN दिख रहा है इंचेस, और इसके साथ यूनिट कौन सा दिख रहा है, MM, मिलीमीटर, उसके साथ IN, इसके साथ MM, सिर्फ यूनिट का फर्क है। और ये भी यूनिट का फर्क इतना मुश्किल फर्क नहीं है, जब आप क्लिक करते हो ना, ये यूनिट आपको इधर दिख रहा है मिलीमीटर, अगर आपको मिलीमीटर पसंद नहीं वैल्यू, आप इंचेस में कन्वर्ट कर लो, ये इंचेस में कितनी मेजरमेंट है, 8.2, मिलीमीटर में कितनी है, सेंटीमीटर में कितनी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये जो थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको नोटपैड में बता रहा था यूनिट्स होते हैं, अब आप किस यूनिट के साथ कंफर्टेबल हो, इसको किसी वक्त भी आप यूनिट को चेंज करके उसकी एग्जैक्टली वैल्यू मालूम कर सकते हो। मैंने आपको क्या बोला नहीं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, चेक कर लें, अभी चेक कर लेते हैं, या 1 इंच टाइप पर, इंच लेता हूं और या 1 कर देता हूं, इसको खत्म करके 1 टाइप कर देता हूं, 1 इंच है ना, सेंटीमीटर में कितना आना चाहिए, 2.54 आना चाहिए ना, ये लो सेंटीमीटर में वही आ रहा है ना, 2.54, मिलीमीटर में कितना आना चाहिए, ये वैसे बड़ी अफसोस की बात है, मिलीमीटर में कितना आना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर हो जाता है, मैथ बिल्कुल ही नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10 है ना, मिलीमीटर में चला जाएगा, कभी नहीं सुना, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, तो उसके मुताबिक मल्टीप्लाई बाय 10 25.4 आना चाहिए ना, MM, करके देख लो, इतनी अजीब सी बात है, मैं आपको मुश्किल मैथ तो नहीं पूछ रहा, आसान सा मैथ है, तो मैथ के मुताबिक अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, तो आप अपने यूनिट को जिसमें भी सेट किया इसको किसी यूनिट में चेंज करके भी देख सकते हो। तो अगर आपको लेटर साइज के साथ ही कंटिन्यू करना है जॉब को, आप क्लिक कर दो, साथ में दिख रहा है आपको एग्जैक्टली उसकी डिटेल दिखा रहा है जो आपने सिलेक्ट किया ना। अच्छा ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट 8.5 बाय 11, 8.5 बाय 14 mm वगैरह, ये टेम्पलेट साइजेस हैं, ये आपको बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप खुद ऑफर करता है कि इनमें से तो नहीं कोई साइज रखना आपका फ्रेम का, कैनवस का, आपको ऑफर करता है कि इनमें से कोई रख लो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड साइजेस हैं, बड़े फेमस फेमस, अगर इनमें से कोई साइज अगर आप समझते हो मुनासिब कैनवस का, विड्थ और हाइट इनमें से ले लो, और भी हैं, ये देखो इसमें, अच्छा ये कुछ टेम्पलेट्स पहले से भी बने पड़े हैं, ये टेम्पलेट्स हैं, 29 टेम्पलेट इसने दिए हमें, ये फ्री टेम्पलेट है, क्लिक करता हूं, ये मॉकअप्स हैं,
अगर आप इसको रिव्यू करना चाहो, फ्री है ये, इसका साइज वाइज। फिलहाल इसको छोड़ दो, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपने व्यू ऑल प्रीसेट्स पे क्लिक करते हैं, ये देखो सिर्फ चार नहीं थे और भी हैं। ये देखो A4 साइज है, A5 साइज है, A3 साइज है, B5 है। इनमें खपने की स्टूडेंट जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ मैं ऊपर वाले सिर्फ चार साइजेस को डिस्कस कर रहा हूं। और अगर आपको इनमें से अपना मतलूबा साइज नहीं मिलता, मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस कार्ड बनाया है, क्या यहां पे कोई ऐसा साइज नजर आ रहा है जो आपके बिजनेस कार्ड को मैच कर रहा हो, बिजनेस कार्ड के साइज को मैच कर रहा हो? बिजनेस कार्ड का साइज हमने क्या देखा, 3.5 बाय 2, वो तो नजर ही नहीं आ रहा। कोई मसला नहीं, हम दे देते हैं। ये देखो इंचेस में जाओ, टेम्पलेट में अगर नहीं भी नजर आ रहा, टेंशन नहीं लेनी, आप इंचेस में जाओ और क्या साइज था विड्थ में, 3.5, और हाइट कितनी, 2, आप खुद दे दो। हम बात क्या कर रहे थे कि आपको क्रॉस करता हूं दोबारा से देखो, जब कभी आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक चाहिए, आपने अपना कंटेंट खुद बनाना है, नाम लिखना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है, अपने टाइटल देना है, आप डेजिग्नेशन देनी है, आपने अपना लोगो डिजाइन करना है, आपने अपने कॉन्टेक्ट देने हैं, आपने फ्रंट ऑफ द कार्ड डिजाइन करना है, आपने बैक ऑफ द कार्ड डिजाइन करना है, तो आपको एक फ्रेश डॉक्यूमेंट चाहिए, क्रिएट न्यू। और आपने अपने डॉक्यूमेंट की क्या स्टेटस क्या है, प्रिंट निकालना है उसका या कोई फोटो है, फोटो को एडिटिंग के लिए है, नहीं, क्या कोई वेबसाइट के हवाले से कोई आपका कंटेंट है, नहीं, क्या मोबाइल से रेलेवेंट कोई कंटेंट आपने बनाना है, नहीं, आपने फिल्म है वीडियो से रेलेवेंट कोई कंटेंट की एडिटिंग करनी है, नहीं, आपने प्रिंट करना है। प्रिंट में आपको क्या साइज रिक्वायर्ड है, क्या ये चार साइजेस में से कोई आपका रिक्वायर्ड साइज है, नहीं, तो क्या व्यू ऑल प्रीसेट कर लिए जाए ऐसे साइजेस जो आपको हो सकता है ये चार के अलावा आपको मिल जाए, व्यू कर लो, क्या इनमें से आपका रिक्वायर्ड साइज है, नहीं, तो अब क्या करना है, अब हमने अपना खुद से साइज मेंशन करना है। तो साइज मेंशन करने के लिए आपने यहां है विड्थ बतानी है, हाइट बतानी है, दो चीजें जब आप बता दो उसके बाद आपने इसके अलावा जब साइज डिसाइड हो जाए कैनवस का, आफ्टर डिसाइडिंग साइज ऑफ कैनवस, अगला काम क्या होना चाहिए, आपने जब कैनवस साइज डिसाइड हो गया एक डॉक्यूमेंट का फोटोशॉप का, तो अब आप दूसरा काम क्या करो, इसकी रेजोल्यूशन बताओ। और रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये नंबर होगा एक, इफ यू वांट टू प्रिंट, अगर तो आपने प्रिंट निकालना है, प्रेस में भेजना है, ऑलवेज रिमेंबर रेजोल्यूशन मस्ट बी 300+, 300 मिनिमम 300+, ये याद रखना, ये होती है PPI या DPI, पिक्सल पर इंच या डॉट पर इंच। आपको पता है कार्ड जब प्रिंट होता है तो डॉट्स मिलके उस कार्ड को डिजाइन पे आपके प्रिंट पेपर के ऊपर लेके आता है, डॉट पर इंच या PPI पिक्सल पर इंच, स्क्रीन के लिए पिक्सल पर इंच और प्रिंट के लिए DPI डॉट पर इंच, 300 से कम नहीं रखना। और अगर आपका कोई कॉन्टेंट ऐसा है स्क्रीन के लिए है, इफ स्क्रीन कॉन्टेंट है, स्क्रीन का मतलब आपकी इंटरनेट के लिए है, स्क्रीन के लिए है, देन रेजोल्यूशन जो होगी वो 72 रखनी है, कम रखनी है, 72 रखनी है, देन रेजोल्यूशन कितनी रखनी है स्टूडेंट्स, 72 एनफ होती है, स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस उसकी विजिबिलिटी वेरी गुड, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, 300 प्रिंट के लिए है और 72 किसके लिए, स्क्रीन के लिए, YouTube का थंबनेल बनाना है स्क्रीन है, कोई एड आपने कंपोज करना है स्क्रीन के लिए, फेसबुक के ऊपर आपने उसको चलाना है स्क्रीन है, ठीक है, आपने जो भी इंटरनेट के लिए मटेरियल डिजाइन करते हो, कंप्यूटर के लिए करते हो, स्क्रीन के लिए कंटेंट रेडी करते हो, ऑलवेज रिमेंबर 72। फ्लायर वगैरह, लेकिन फ्लायर तो प्रिंट निकालना है ना बच्चे, स्क्रीन के लिए अगर आप शेयर करना चाह रहे हो बना के 72 पे कर लो, अदरवाइज गो विथ 300। अब आओगे सर फर्क क्या पड़ता है, क्वालिटी का फर्क पड़ता है, अगर मैं उसको 72 कर दूंगा प्रिंट में तो कॉल आ जाएगी प्रेस से, सर ये आपका प्रिंट सही नहीं आएगा, आपका पिक्सेलेट हो रहा है इमेज, आपका स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस खराब हो रही है, हम इसको प्रिंट निकालेंगे, आपका रीडर व्यूअर जब पढ़ेगा बड़ा बैड इम्पैक्ट जाएगा,
तो इसको कम से कम आप 300 के ऊपर मुझे सेंड करें। कैनवस का साइज जब भी सेट करो, अगर प्रिंट के लिए 300 रखना है, स्क्रीन के लिए 72 ओके, लेकिन 300 इज राइट फॉर प्रिंट। थर्ड कलर मॉड, अभी आपको दिखाता हूं ये कहां पे आ रहा है। कलर मॉड दो तरह के होते हैं, प्रिंट के लिए कलर मॉड ऑलवेज रिमेंबर CMYK, और CMYK स्टैंड्स फॉर सियान, मैजेंटा, येलो एंड की कलर इज ब्लैक। ब्लैक के अगर आप इग्नोर करोगे तो आपका अगर शेड को डार्क करना हो या लाइट करना हो, चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ब्लू हो, कोई भी शेड हो, डार्क या रेड करने के लिए आपको ब्लैक कलर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो की कलर ऑलवेज रिमेंबर, इसमें सी की रिप्रेजेंटेशन में बता दी CMYK, और ये जब आप प्रिंट निकालते हो ना कार्ट्रिज लगे होते हैं आपके, और आमतौर पर ये कलर कार्ट्रिज में अगर प्रिंटिंग कलर निकालनी हो तो इसके बगैर काम नहीं होगा। आप प्रिंटर जब आप अगर ओपन करो तो प्रिंटर के अंदर कार्ट्रिज लगे होते हैं, तो उसमें सियान, येलो, मैजेंटा कार्ट्रिज होते हैं CMYK। और अगर आप स्क्रीन के लिए कोई बना रहे हो, ये है प्रिंट के लिए, फॉर स्क्रीन याद रखना, यूट्यूब का थंबनेल बना रहे हो, स्क्रीन के लिए कोई आइटम बना रहे हो, तो उसमें जो प्राइमरी कलर होते हैं, जो बेस कलर्स होते हैं, वो आपके ऑलवेज रिमेंबर RGB होते हैं। R स्टैंड फॉर ग्रीन, ब्लू, बाकी जो कलर्स हैं इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनका मिक्सचर होता है। रेड एंड ग्रीन को मिक्स करोगे तो एक कलर बनेगा, येलो एंड सॉरी ग्रीन एंड ब्लू को मिक्स करोगे तो एक कलर बनेगा, जो 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 पता क्या कहलाता है, सेकेंडरी कलर। ये जो कलर्स हैं ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कलर्स। ऑलवेज रिमेंबर ये है प्राइमरी कलर। कलर की एक अलग से थ्योरी है, वो इंशाल्लाह मैं लेक्चर्स में डिलीवर करूंगा। RGB और ये जो मैंने आपको बताया है ये कहाँ सेट होता है, ये सेट होता है जब फोटोशॉप में आप इस स्टेज पे पहुंचते हो। ये देखो ये है रेजोल्यूशन, स्क्रीन के लिए 72, प्रिंट के लिए 300 रखनी है। ये है ये कलर मॉड। अगर तो आपने ग्रे शेड देना है वो भी दे सकते हो। CMYK याद रखना, जब कभी कंटेंट आपका प्रिंट के लिए जाना है, बिजनेस कार्ड है प्रिंट के लिए जाना है, टाइटल पेज है प्रिंट के लिए जाना है, आपका इनविटेशन कार्ड है प्रिंट के लिए जाना है, वेडिंग कार्ड डिजाइन किया आपने प्रिंट के लिए जाना है, तो CMYK ठीक है। लेकिन आपने अगर यूट्यूब का थंबनेल है बोला तो प्रिंट थोड़ी करना होता है, वो स्क्रीन पे लगना होता है, चैनल के ऊपर आपके वीडियो के ऊपर लगना होता है, तो वहां पे आपने फिर RGB लेना है। हो सकता है मुझे यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, इसकी भी एक विड्थ और हाइट होती है यूट्यूब थंबनेल की, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, पिक्सल में होती है। स्क्रीन के लिए है तो पिक्सल लेनी है, प्रिंट निकालना है तो इंचेस या सेंटीमीटर में लेना है ठीक है। अब यहां पे आपने चूंकि इसका प्रिंट निकालना है, बिजनेस कार्ड का साइज आपने डिक्लेयर किया है, तो ये गो ऑलवेज विद किसके साथ, CMYK। और बैकग्राउंड क्या रखनी है कैनवस की, व्हाइट रखनी है, व्हाइट ही रहने दो, आमतौर पे व्हाइट बोर्ड ही होता है ना, बाज जगह पे आपका ब्लैक बोर्ड भी होता है। आपने बाज ऐसे कार्ड देखे होंगे स्टूडेंट्स जिसमें ग्राउंड ब्लैक कलर की ऊपर कॉन्टेंट व्हाइट कलर का है, होते हैं कि नहीं होता कार्ड, आपने ब्लैक कार्ड नहीं देखे, ब्लैक कार्ड है उसके ऊपर कंटेंट जो है व्हाइट कलर का, नेम शेम लोगो शोगो इस तरह का बनाया है कि वो एक बेहतरीन आपका लुक उसकी नजर आ रही है, तो कंट्रास्ट। अगर ब्लैक बैकग्राउंड होगा लाइट कंटेंट होगा, और अगर आपका लाइट बैकग्राउंड होगा तो ब्राइट और डार्क कलर्स यूज करोगे उसके फोरग्राउंड में, ये कंट्रास्ट होना चाहिए, वरना तो ब्लैक अगर शेड है ऊपर ब्लैक टोन के कलर्स, डार्क टोन, रेडिश टोन, ब्राउनिश शेड, वो तो नजर ही नहीं आएगा। ब्लैक के ऊपर या डार्क के ऊपर लाइट और लाइट के ऊपर डार्क कंटेंट होता है, इसकी डिटेल है कुछ इंशाल्लाह मैं आपको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन और लेक्चर्स आपको बताऊंगा। अभी मुझे बैकग्राउंड कंटेंट क्या देना है, क्या व्हाइट पसंद करोगे या ब्लैक पसंद करोगे, ब्लैक भी हो सकता है, व्हाइट भी हो सकता है, यहां तक के रेड भी हो सकता है। ये किसकी बात कर रहा हूं, कैनवस के कलर की बात कर रहा हूं। बाय डिफॉल्ट कैनवस का कलर क्या होता है, व्हाइट, लेकिन आपको कोई रोकेगा नहीं ब्लैक करने से, कर सकते हो, आपको रोकेगा नहीं कि आप बैकग्राउंड कलर कस्टम भी कर सकते, कस्टम का मतलब कोई भी दे दो। अगर मैं रेड कर दूंगा रेड दिखाई देगा,
कैसे? जब ओके करोगे, करता हूं जी ओके। ये देखो ये कैनवस। अब आ गए हो आप मेन पॉइंट पे कि डॉक्यूमेंट एक क्रिएट हुआ है, ब्लैंक कैनवस एक क्रिएट हुआ है, ये कैनवस। अब हम कैनवस तक पहुंचे, साइज हमने दिया है 3.5 बाय 2, 3.5 बाय 2। दोबारा देखो, अगर आप इसको क्रॉस कर देते हो बंद हो जाएगा, दोबारा से मैं न्यू करता हूं, न्यू में दोबारा ये विंडो आई, विंडो आई तो मैंने प्रिंट में गया, प्रिंट में गया तो मैंने यहां पे आपने जो साइज दिया स्टूडेंट्स यहां पे फिर गायब हो गया 3.5 बाय 2, दोबारा से देना पड़ेगा। इसको आप रिसेंट में देख सकते हो, क्या लिखा हुआ है रिसेंट, रिसेंट का मतलब आपने अभी अगर कोई बनाए हैं तो रिसेंट में नजर आएंगे, तो आपको टाइम बच जाएगा ना, वरना दोबारा से सारा। क्या यही सेटिंग्स हैं? और इसमें सिर्फ एक चीज खत्म कर रहा हूं, बैकग्राउंड को मैं नहीं पसंद करता, रेड व्हाइट होना चाहिए। यहां क्लिक करके भी कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इसमें जाके यहां पे व्हाइट डायरेक्ट कह दो, उसे ब्लैक करना ब्लैक कर दो, व्हाइट करना व्हाइट कर दो, कस्टम करना अपनी मर्जी से कर दो। नहीं जी, यहां तक अगर आप पहुंच गए हो स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास 5 मिनट्स हैं, ये कैनवस आपका एक बन गया, ठीक है। कैनवस के ऊपर अब मैं आपको आज जाने से पहले कुछ बताना चाह रहा हूं उस पार्ट के बारे में जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ स्क्रीन के ऊपर। कैनवस डिस्कस हो गया, मेन्यू डिस्कस हो गया, अब इसमें से दो चीजें, एक चीज तो गायब हो चुकी है, कौन गायब हो चुका है, टूल्स। टूल्स को कैसे लेके आना, पहले टूल्स को वापस करो ना, टूल्स तो आए सामने ताकि कुछ बनाना शुरू करें, कंटेंट बनाना। ये टूल्स कब आएंगे विंडो मेन्यू में? विंडो मेन्यू में अगर आप स्टूडेंट गौर करो, ये सारी आपके पैनल्स टिक हुए हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नीचे चले जाओ, ये क्या लिखा हुआ है टूल्स, वो जो आपने क्रॉस नहीं कर दिए थे स्टार्ट में, यहां से आप वापस कर लो। ये है जी टूल्स, कहां से मैंने ऑन ऑफ किया, विंडो मेन्यू में, ये टूल्स। अच्छा एक चीज और नजर आ रही है जो टिक हुई भी है बिल्कुल उसके ऊपर, ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस स्टूडेंट ये हैं, ऑप्शंस मेन्यू के बिल्कुल नीचे, मेन्यू क्या बोलते हैं ऑप्शंस, ना तो टूल को ऑफ करना ना कभी ऑप्शन ऑफ करना। आज तो मैंने आपको जो कर दिया सो कर दिया, क्योंकि इसके पैर काम नहीं होना स्टूडेंट्स, टूल्स भी ऑन होंगे ऑप्शंस भी ऑन होंगी। वो कैसे, क्यों? ये देखो, जब आप किसी टूल पे क्लिक करते हो ना, उसकी ऑप्शंस आ जाते हैं ऊपर, ये देखो, देख रहे हो, इसका मतलब इनका आपस में कनेक्शन है। टूल्स के बगैर ऑप्शंस या ऑप्शन के बगैर टूल हो ही नहीं सकते, दोनों में से अगर एक ऑन कर दोगे फायदा कोई नहीं, तो दोनों का ऑन होना लाजम मलजूम है, टूल्स ऑप्शंस के साथ। ये कहां से ऑन ऑफ होती है, दोनों को अगर करना हो ना, ऑप्शन को बंद नहीं करना। वो देखो, अब आपके ये टूल किसी काम के नहीं, क्योंकि उसके साथ कनेक्टेड ऑप्शन नहीं होंगे तो क्या करोगे, ये आपको इसका अंदाजा होगा कल जब मैं ऑप्शंस के साथ काम करवाऊंगा, क्योंकि इस पे क्लिक करने से मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक वो ऑप्शन ऊपर ना हो। तो आपने आज के दिन के बाद तो ये भूल जाओगे, ये दोनों को आपने ऑफ करना है, ये ऑन होगी दोनों। अब जाने से पहले आखिरी बात, पैनल्स, पैनल्स हैं टोटल 11, नाम याद कर लो। पहला पैनल है कलर, ये पैनल्स जिसमें बड़ा फेमस वन है, यहां से गायब हुआ हुआ है लेयर्स, याद है थोड़ी देर पहले मैंने लेयर्स को भी बंद किया था, वो मैंने ऑफ कर दिया था लेयर को। अच्छा ऑफ आप किसी को भी कर सकते हैं, ये लो ड्रैग करके ऑफ, ड्रैग करके ऑफ, ड्रैग करके ऑफ, ये लो ड्रैग करके ऑफ, टोटल 11 पैनल्स हैं, नाम नजर आ रहे होंगे उम्मीद कर रहा हूं, ये नाम है इनके। अब पैनल्स यहां से क्रॉस हो जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओ कि पैनल आपसे सारे डिस्टर्ब हो जाएं, तो एक्चुअली हुआ क्या, आपका वर्किंग एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया। और ये देखो सारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब है,
क्या डिस्टर्ब है, क्या चीज नहीं है इसमें, टूल्स नहीं है, क्या चीज नहीं है इसमें? पैनल जो जरूरी जरूरी थे, एसेंशियल्स जो जरूरी, आप इसको अगर रिसेट करना चाहो फोटोशॉप में, बाल का तो ग्राफिक डिजाइनर बाय मिस्टेक क्रॉस कर दिए, ऑफ हो गया, आपने घबराना नहीं है, इसको ऑन भी कर सकते हो। एक लंबा मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है, दोनों बता देता हूं। लंबा मेथड ये है, विंडो मेन्यू में जाओ, उन पैनल्स को यहां से ऑन करना शुरू कर दो, चैनल्स लेयर्स, ये देखो शॉर्टकट की क्या है, F7, F7 भी प्रेस कर सकते हो, क्लिक करूं, एक तो आ गया, बाकी इसे दूसरे को ऑन करो, तीसरे को ऑन करो, फिर आप बोलोगे सर इनका एक ग्रुप बना हुआ था, तीन तीन का, चार चार का, मुझे क्या पता किसका कौन हिस्सा है, ये तीन तीन पैनल इकट्ठे थे, चार चार, आपने गौर किया, चार पैनल ऊपर थे, तीन दरमियान में थे, तीन नीचे थे, ये टोटल कितने हो गए, और एक साथ में भी है, नहीं नहीं 11 नहीं हुए, चार पांच छह सात आठ नौ दस, और एक 11वां सेंटर में पड़ा हुआ, ये 11वां है, ये भी पैनल है एक, इसका नाम पता क्या है, हिस्ट्री पैनल, टोटल कितने थे पैनल, 11। और अगर कभी किसी वजह से आपसे ये सारा एनवायरनमेंट खराब हो जाए, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, एक काम करना है, विंडो मेन्यू में जाना है, और विंडो मेन्यू में जाके स्टूडेंट्स आपने इसका वर्क स्पेस में जाके ये देखना है, क्या नाम है इसका, वर्क स्पेस। वर्क स्पेस क्या होती है, पैनल की कलेक्शंस, टूलबॉक्स की प्लेसमेंट, एवरीथिंग रीसेट कर दी जाए, एसेंशियल्स जो जरूरी चीजें हैं आपके लिए, पैनल्स जरूरी हैं, टूलबॉक्स जरूरी है, इसको क्या कर दिया जाए, एसेंशियल्स को रीसेट, कैसे, नीचे देखो कोई लिखा हुआ रीसेट एसेंशियल्स, बस इतना करना है, 11 पैनल भी अपनी जगह आ जाएंगे, टूलबॉक्स भी अपनी जगह आ जाएगा, आपको खपना नहीं पड़ेगा अलहदा अलहदा, एक तो ना खुद से अरेंज करो, भाई आप खुद भूल गए कौन सा पैनल किधर था, किस तरह था, किसका हिस्सा था, ये प्रॉपर एक ग्रुप की फॉर्म में फोटोशॉप के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बड़े जबरदस्त तरीके से पैनल की तरतीब लगाई है, आप उस पैनल की तरतीब फोटोशॉप के जो डेवलपर्स ने लगाई है उसको फॉलो करना है, ना कि आप अपना तरतीब लगा सकते हो, पैनल्स आगे पीछे कर सकते हो, जैसे मैंने कर रहा था, डिलीट भी कर सकते, रिमूव भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर भूल जाते हो कि क्या पैनल्स की तरतीब थी, कौन कहाँ पड़ा हुआ था, क्या लोकेशन थी, आपको नहीं याद रहता, आप इसको रीसेट कर दो, करूं, क्या नाम है, रीसेट, एसेंशियल्स, मेन एसेंशियल्स, जरूरी चीजें जो मुझे चाहिए, ये लो चेक करो, कलर पैनल गिनो जरा, दो स्वाचेस, तीन ग्रेडियंट, चार पैटर्न्स, पांचवा प्रॉपर्टीज, छठा एडजस्टमेंट, सातवा लाइब्रेरीज, आठवां लेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नौवां चैनल्स, दसवां पाथ, और एक जो रह गया वो दरमियान में यहां छुपा हुआ है, ये हिस्ट्री, कितने पैनल्स हो गए टोटल, और ये तरतीब इसने बहुत सोच समझ के लगाई है, किसने, मैंने नहीं लगाई, ये फोटोशॉप बनाने वाले ने, जो डेवलपर है इसका सॉफ्टवेयर का, उसने दिया है तरतीब को, आपने गड़बड़ करना चाहो रोकेगा कोई नहीं, लेकिन अगर हो भी जाए गड़बड़ तो ठीक करना क्लिक का काम है, बस गड़बड़ क्या कर सकते हो, गड़बड़ मैं ये कर सकता हूं, ये देखो ये प्रॉपर्टीज इधर पड़ी हुई ना, इसको ड्रैग करके मैं इधर ले जाता हूं ऊपर, इसको उठा के इधर ले आता हूं, गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई, ये देखो ये ले पैनल आगे इसके साथ होता है, चैनल्स और पाथ का हिस्सा है, इसको ड्रैग करके मैं इधर रख देता हूं, गड़बड़ हुई है ना, इस एडजस्टमेंट को उठा के मैं ड्रैग करके बाहर निकाल के इसको क्रॉस कर देता हूं, गड़बड़ हुई है ना, इसको ठीक करने का तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, खुद से करो, खुद से क्या करो, जो आपने गड़बड़ किया खुद ठीक करो, उसमें तो टाइम लगेगा, अब आपको पता भी नहीं है, मुझे अभी तो याद है प्रॉपर्टीज हैं ठीक है, मैं ड्रैग करके वापस इधर ले आऊंगा, ये है मैन्युअली सेट करना, इसमें लगेगा टाइम, और क्या इसमें से एक और पैनल था, क्या नाम था, हाँ एडजस्टमेंट यहां था ना इसके साथ, वो भी गायब हुआ हुआ है, आपको वो किधर से आएगा, विंडो मेन्यू से आएगा,
क्या नाम है पैनल का? एडजस्टमेंट, ये है ना, क्लिक करो, आ गया। इसको ड्रैग करके भाई इसमें कितना टाइम आपका जाया हो रहा है, लेयर पैनल ये पड़ा हुआ है। तरतीब आगे पीछे करनी है, टाइम लगा कि नहीं लगा? इससे बेहतर है क्या करो, एसेंशियल्स को विंडो मेन्यू में जाके रीसेट कर दो। वो आसानी ट्रिक काम करने की, हमने आसानी देखनी है ना, अपनी आसानी किसमें है, मुश्किल में जरूर अपने आप को डालना। हाँ पता होना चाहिए कि कर सकते हो, आपके हाथ में आगे करना है इसको आगे पीछे। तो टोटल कितने पैनल्स हैं स्टूडेंट्स? 11। तरतीब एक मानी एक वजह है उन्होंने इकट्ठे रखे, वो देखो चारों कलर से रेलेवेंट है ऊपर पड़े हुए, क्या कलर, स्वाचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, ये खास रीजन है इन्होंने चारों को इकट्ठा रखा है। लेकिन अगर आप चाहो एज ए ग्राफिक डिजाइनर और यूजर ऑफ दिस मशीन, आप इसको आगे पीछे कर लो, लेकिन करने की क्या जरूरत है, ठीक है? इस पूरे एनवायरनमेंट को जिसमें टूल बॉक्स भी अपनी जगह पे मौजूद है, पैनल भी अपनी जगह मौजूद है, इस पूरे एनवायरनमेंट को स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? वर्क स्पेस, जिसमें आप वर्क करते हो, वो स्पेस जिसमें आप काम करते हो। जैसे ये मेरे लिए वर्क स्पेस है जहां मैं काम कर रहा हूँ, लैपटॉप पड़ा हुआ है स्टूडेंट मेरे सामने, ये मेरी वर्किंग स्पेस है। इस तरह ग्राफिक डिजाइनर भी ये जो आपका टूल है, सॉफ्टवेयर है, ये वर्किंग एनवायरनमेंट है। वर्क स्पेस में क्या क्या शामिल होता है? पैनल्स की तरतीब राइट साइड पे, टूल बॉक्स लेफ्ट साइड पे, और ये सारा का सारा आपका रीसेट हो सकता है ऑन जस्ट वन क्लिक। रीसेट यहां से कभी अगर आगे पीछे हो जाए। और एक चीज याद रखना, जो वर्क स्पेस है वो एक नहीं देता, फोटोशॉप एक से ज्यादा देता है, 3D भी है। आज चूंकि टाइम खत्म हो गया है, मैं कल यहीं से कंटिन्यू करूंगा कि अगर हमारे ये दोस्त अपना वर्क स्पेस बनाना चाहे, अपने कलेक्शन को सेट करना चाहे, खुद से सेट करना चाहे, पैनल्स की तरतीब खुद लगाना चाहे, जो चीज चाहिए रखो, जो चीज नहीं चाहिए बंद कर दो। बात ये है पैनल सिर्फ 11 नहीं है स्टूडेंट्स, पैनल और भी हैं। मतलब ये इन्होंने ब्रशेस के साथ काम करना है, ब्रशेस के साथ एक अच्छी सी डिजाइन बनाना है, ब्रशेस का पैनल आने लगा है, ये देखो। और ब्रशेस का पैनल अपने साथ लेके आता है ब्रश सेटिंग्स को, ये दोनों इकट्ठे होते हैं। करो क्लिक, ये वो दो पैनल्स आ गए जो नहीं थे एसेंशियल का हिस्सा। हिस्सा एसेंशियल का नहीं है, ब्रशेस और ब्रश सेटिंग किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा नहीं थे ये, इनको जरूरत थी, इन्होंने ऑन कर दिया। एसेंशियल में ये इसका हिस्सा नहीं है, वर्कस्पेस में ये इसका पार्ट नहीं है। वर्कस्पेस में टोटल कितने हैं? 11 होते हैं, ये 12वां और 13वां, इनको जरूरत थी, इन्होंने ऑन कर दिया। हो सकता है एसेंशियल्स वर्कस्पेस इनको सूट नहीं करती, ये अपना भी एनवायरमेंट। और मजे की बात है, ये वैसे आप विंडो मेन्यू में अगर आप जाओ स्टूडेंट्स, जैसे मैं दोबारा रीसेट करूंगा ये फिर गायब होने वाले हैं। क्यों? एसेंशियल का ये पार्ट नहीं, इसलिए गायब होने वाले। दोबारा अगर ऑन करना चाहिए बटन ऑन कर, काम करो बंद कर, काम करो बंद कर। मतलब ये है कि जिन पैनल्स की जरूरत पड़ती है अपने काम से रेलेवेंट है, उनको ऑन भी किया जा सकता है, उसको ऑफ भी किया जा सकता है। और किसी एक वर्क स्पेस के साथ अगर आप इत्तफाक नहीं करते, उसमें आप अपनी मर्जी से मजीद भी पैनल्स को जरूरत के मुताबिक ऑन करो, काम करके बंद करो। और अगर आप पूरा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब पाओ तो आपको क्या करना चाहिए? वर्क स्पेस को रीसेट कर देना चाहिए, उसे आपकी हर चीज़ ठीक कर देता है, ठीक है? इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला।